जय गुरुजी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, मैक्सिमम जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी मैडम, जय गुरुजी मैम। क्या बात है, विंडो भी बस की खिड़कियां पर थोड़ा सा ज्यादा आ गई मीनाक्षी मैम। जी 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 जी, तो कितनी सारी बरसात पड़ी है, सभी खिड़कियां बंद है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब कहीं से नहीं आ रही। हाँ अभी ठीक है, ऐसे लग रहा था बहुत ज्यादा विंडोज ओपन है और हवा सा बह रही है। वही तो कह रहा हूँ मैडम, सबकी विंडो बंद पड़ी, पहले तो विंडो तो खुलवा ले मैं। बिल्कुल बिल्कुल, विंडोज खुलवानी चाहिए, बिल्कुल। ओपन योर विंडोज मींस ओपन अप योर कैमरास एवरीवन, अप योर कैमरास। यस यस, गुड गुड, सुंदर सुंदर चेहरे, प्यारे प्यारे चेहरे। ओपन अप इंद्र भाई, सतीश जी, कविता गुप्ता मैम, जय गुरु जी, हितेश सर, ओपन योर कैमरा, सतीश भाई, राधे राधे, सतीश जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सर? मुझे कोविड हो गया है, ठीक हूँ वैसे। मैं मुझे कोविड हो गया था दोबारा। कब हो गया था? अभी कोविड में ही हैं? अभी कोविड में ही हो? हाँ घर में हूँ मैं जी, घर में ही ट्रीटमेंट किया है, ठीक हो गया हूँ मैं। मतलब अभी उसका वो एक टेस्ट लेना उन्होंने कि भाई, तो अभी 3-4 दिन के बाद लेंगे जी। मैं कोई और दिखती हूँ। क्या नाम रखना है? मीनाक्षी जी। जय गुरुजी मैम। क्या नाम चेंज करना बताओ मैम, शुरू करते जी। हरजीत गिल, हरजीत गिल, अजीत गिल कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू राधे राधे जी। राइट, सो आज स्वागत है आप सबका आज के इस वेबिनार के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं मेडिकल एंड क्रिस्टल। मेडिकल एंड क्रिस्टल, यस राइट। मेडिकल एंड क्रिस्टल इज वेरी सिंपल वर्ड, मतलब मेडिकल से क्रिस्टल्स, मेडिकल सॉल्यूशंस थ्रू बाय द क्रिस्टल। इतनी सी बात हमको एक शब्द में समझ आ रही है, पर रियली इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वेबिनार आप लोगों ने मेरे साथ सुने हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि क्रिस्टल, आप सब में बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, एस्ट्रो साइंस से होंगे या ऑकल्ट वर्ल्ड से, तो है ही। यू नो इट वेरी वेल कि क्रिस्टल इज हैविंग अमेजिंग एनर्जी, मतलब क्रिस्टल के पास एक अपनी एक पॉजिटिव एनर्जीज होती है, नेगेटिव एनर्जीज नहीं होगा। राइट, तो उन एनर्जीज को कैसे हम लोग जेल करते हैं हमारी बॉडी के साथ, सिर्फ पहन के नहीं ना मीनाक्षी, खाली पहन के करते हैं क्या? नहीं सर, नहीं पहन के नहीं करते हैं हम, उसे बहुत तरीके से काम लेते हैं हम, उसे डायरेक्शंस में रखते हैं हम, उनको मेडिटेशंस में डालते हैं, उनका एनर्जाइज वाटर बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात हम अपने बेड साइड्स पे रखते हैं, अपनी विंडोज के आगे रखते हैं, अपने डेस्क पे रखते हैं। देयर इज लॉट्स ऑफ यूज, हर क्रिस्टल का अलग अलग यूज। राइट, सो आज अपन मेडिकली बात करें तो सबसे ज्यादा किस चीज से हम लोग परेशान होंगे, क्या आप लोग इस चैट में बता सकोगे कि हम सबसे ज्यादा किस बीमारी से परेशान होते हैं? सबसे ज्यादा किस बीमारी से परेशान जूझ रहे हैं, सबसे ज्यादा हम किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? बीपी, डायबिटिक, बीपी, डायबिटिक, यस, स्ट्रेस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल पीस, एंजाइटी, हाई बीओ, ये क्या होता है, बैक पेन, ये अपना है साथ वाला रिलेशनशिप, रिलेशनशिप एक बीमारी नहीं है, फियर ऑफ फोबिया। बट राहुल भाई, आजकल ये रिलेशनशिप सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैम वो बीमारी नहीं है जी, बीमारी का नाम मत लो, कोई तो रिश्ते खराब हो रहा, बीमारी नहीं है जी, रिश्ते संबंध में है आपस में। स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है स्पेशली हमारे यूथ का। सी देयर आर टू बिगर थिंग्स, आज हमारी कोई भी बीमारी है ना हमारे जीवन में, मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रेगनेंसी इशू, प्रेगनेंसी इशू का ये एक इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है। राइट, सो हम लोग इस बात को समझ पाते हैं, इस बात को समझ जान सकते हैं कि हमारी जीवन में सबसे पहले बीमारी कौन सी आती है,
क्या कोई एक ऐसा पर्सन है जो सबसे पहले मुझे बताएगा कि हमारे जीवन में सबसे बड़ी बीमारी, सबसे पहली बीमारी क्या आती है? एंड्रेस कर लीजिए, मैं अनम्यूट करूंगा उस पर्सन को। सबसे पहली इलनेस हमारे बीच में, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू टेल दैट कि बीमारी क्या आती है। जी रविंदर बंसल सर। रविंदर जेलेसी। अरे सर कैमरा ऑन करें। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे गुरु। जेलेसी आती है, जेलेसी। जेलेसी की बीमारी, 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 बीमारी की बात हो रही है। बीमारी जेलेसी तो बीमारी नहीं है ना। सबसे पहले तो हाइपरटेंशन जी, हाइपरटेंशन, बीपी आया। चलो ठीक है, आपकी बात समझते हैं। बाद इसका जवाब किसी ने बहुत अच्छा दिया है। जी हितेश जी, आपको क्या लगता है क्या आ रही है? यही हाइपरटेंशन, शुगर, और सबसे बड़ी अपन क्या बोलते हैं आजकल, वो मैं तो मेंटल पीस ही बोलता हूँ, डिप्रेशन वगैरह रहते लोगों को। जी और क्या लगता है? शुगर है और फैटनेस। फैटनेस मनीष पवार जी से पूछते हैं। जी मनीष पवार जी। मेंटल टेंशन सर। मेंटल टेंशन बड़ी बीमारी, टेंशन ही है, मेंटल टेंशन ही। राइट, मेंटली स्ट्रेस्ड। जी अनूप श्रीवास्तव सर। जी सर, ये टेंशन ही सबसे बड़ी बीमारी है आज की, तनाव। दैट्स अ ट्रू पॉइंट। अब मैं ये बात देखो, जितने भी बस चैट में मैसेज आए हैं सब, थैंक यू एवरीवन टू शेयरिंग दिस योर एक्सपीरियंस। सबसे पहली जो परेशानी आती है ना जीवन में, बीमारी आती है ना, उसको रियल बीमारी वो ये है, वो है टेंशन, मतलब स्ट्रेस। स्ट्रेस इज गोइंग टू कन्वर्ट इन आवर एंजाइटी, एंजाइटी इज कन्वर्टेड टू इन डिप्रेशन, डिप्रेशन हमारे कन्वर्ट कर देता है बीपी, शुगर और न जाने कहां कहां पे। बीपी, शुगर, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी बोलो, इंसोमिया, इंसोमिया, आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इंसोमिया को। इंसोमिया के साथ साथ और भी हमारे बहुत फ्री ऑफ गिफ्ट आती है हमारे एलर्जीज, हेडेक, फटीग। एक सेकंड। राइट, सो द थिंग इज दैट इज वेरी मच क्लियर कि हमारे जीवन में सबसे पहले जो परेशानी आती है वो है स्ट्रेस। मतलब हम लोग क्यों बोलते हैं कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना है, इनको आज की डेट में पढ़ाई का भी प्रेशर मत दो, इजी रखो, क्योंकि वी ऑलरेडी फेस फ्रॉम दैट, हम लोग उस स्ट्रगल से, उस फेस से हम निकल चुके हैं। हर चीज में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो शुरुआत होती है छोटे से स्ट्रेस से, और जो स्ट्रेस है वो आपके जीवन को एक नए आयाम, मतलब इसमें आयाम इसलिए शब्द यूज होता है क्योंकि आपको एक एक करके अचीव करवाता जाता है। पहले आपको एंजाइटी देगा, फिर डिप्रेशन देगा, फिर आपको नींद उड़ाएगा, फिर आपको बीपी देगा, फिर आपको शुगर देगा, ऐसे करते करते आपकी वो जीवन की आपके साथ जीवन भर जुड़ता चला जाए। क्रॉनिक डिजीज का सबसे पहला स्टेप है स्ट्रेस। स्ट्रेस, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू दैट कि आज हम बात करेंगे सबसे पहले एंजाइटी। एंजाइटी एक सबसे बड़ा परेशानी है जीवन का, स्ट्रेस और एंजाइटी एक बहुत बड़ी परेशानी है। एंजाइटी ही कन्वर्ट करता है डिप्रेशन में, और डिप्रेशन पर्सन बहुत से अलग अलग डिसीजन ले पड़ता है, चाहे वो सुसाइडल तक भी वो चला जाता है। उस चीज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, सबसे पहले हम उसी पर बात करें। तो मीनाक्षी मैम प्लीज, आपका इंट्रोडक्शन मैंने नहीं दिया आज, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अबाउट दैट कि हम एंजाइटी को कैसे दूर करें। तो आज हम 10 से 12 बीमारी जो मेजरली चल रही है और उसको बहुत इजीली क्रिस्टल के माध्यम से कैसे रिमूव कर पाते हैं उस पर बात करेंगे। राइट जी मैम, प्लीज। जय गुरु जी टू ऑल, एवरीवन, ओपन अप योर कैमरास प्लीज, दिस इज माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कैमरास ओपन करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच जो मेरी रिक्वेस्ट पे ओपन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। माय नेम मीनाक्षी चालुक्या, मैं बेसिकली आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड फार्मासिस्ट आल्सो, सो ऑलमोस्ट सबने न्यूमरोलॉजी सीखी है तो मेरी परेशानी समझ सकते हो। मैं 3 और 3 का कॉम्बिनेशन हूँ भाई, मुझे तो जानना है भाई उधर भी क्या है और उधर भी क्या है। बट आफ्टर सॉफ्टवेयर नहीं मन लगा, बहुत अच्छी जॉब थी, अब ब्रिलियंट जॉब जो मैंने छोड़ दी, एक रेपुटेटेड कंपनी में जो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं संदीप सर से जुड़ी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ संदीप सर, उनसे जो मैंने सीखा, एज यू नो वो 200% देते हैं, सीखा उनको समझा। उसके बाद कुछ मैं फिर मैंने उसके बाद टैरो कार्ड सीखा, उसके बाद मैंने अपना
न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मैंने अपने सिग्नेचर एनालिस्ट सीखा, मैं वॉच एनालिस्ट भी हूँ, मैंने बहुत सारी मोर्टेलिटी सीखी, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, बट जो मजा मुझे न्यूमरोलॉजी में आया वो मुझे कहीं नहीं आया। अब न्यूमरोलॉजी के साथ मुझे एक चीज अटैच करनी थी, दैट इज वॉट मुझे अटैच करा मैंने एक क्रिस्टल को। जब मैंने क्रिस्टल पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने उसे ज्वाइन करना शुरू करा अपने वास्तु के साथ, अपने टैरो के साथ, अपने क्रिस्टल न्यूमरोलॉजी के साथ, इवन अपनी एस्ट्रोलॉजी के साथ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ, रियली आई मतलब इट कैन, मेरे पास इतने मार्वलस रिजल्ट्स आए, इतने मार्वलस रिजल्ट्स आए कि आज हम जब वास्तु करते हैं किसी घर का या कहीं नींव खोदते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को हम प्लेस करते हैं अंदर, नीव के अंदर क्रिस्टल्स प्लेस होते हैं, वो भी कितने कितने किलोस के होते हैं। चलो दैट इज द डिफरेंट पार्ट। सो टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट द क्रिस्टल एंड मेडिकल। सो यहाँ सबसे पहले एक बात, जय गुरु जी मैम, एक सेकंड, जय गुरु जी संदीप सर, जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, एक सेकंड सर, सब गुरु जी, जय 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 गुरु जी, संदीप प्लीज अनम्यूट करें आप अपने आप को, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। राइट सर, आज बहुत दिनों बाद कॉन्ग्रेचुलेशन टू कंप्लीट अंको खेल की टीम को, पूरा कॉन्ग्रेचुलेशन सर, जो उन्होंने एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट दो दिन का जयपुर में जो हमने कंप्लीट किया। जी डियर, ऑल क्रेडिट गोज टू यू राहुल भाई, ऑल क्रेडिट गोज टू गुरु जी सर, टू यू एंड सुमित सर, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से, विजय दुबे सर, सुमित सर, दीपा मैम, आईपी सिंह जी ने सबने बहुत अच्छी एजुकेशन शेयर करी और बहुत अच्छा। और सबसे पहला शुक्रिया उन सब बच्चों का जिन्होंने अटेंड किया, और वो 65 पीपल्स जो बच्चों ने ज्वाइन किया था उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, एंड कांग्रेचुलेशन टू यू सर टू गेट द सक्सेस, नया अचीवमेंट, कांग्रेट्स टू अंको का टीम, अंको का खेल, एंड राहुल भाई, संदीप सर। राइट, सो वी आर हियर सर फॉर टुडे, आज हम लोग हैं यहाँ पे क्रिस्टल और मेडिकल की बात करने वाले, नेक्स्ट में स्टार्टिंग विद अ न्यू क्लास विद अ क्रिस्टल, और क्रिस्टल हीलिंग पे हम पूरी क्लास करने लेके आ रहे हैं, तो आज हम क्रिस्टल पे ही बात करेंगे और मेडिकल की बात करेंगे कि कैसे क्रिस्टल्स के माध्यम से हम मेडिकल्स की आने वाली छोटी छोटी इश्यूज जो फ्यूचर में आ सकती हैं उसको भी हम दूर कर सकते हैं और जो चल रही है उससे भी हम निजात पा सकते हैं। राइट डन सर, सो यस मीनाक्षी मैम, सो हम बात कर रहे थे एंजाइटी पे, थैंक यू संदीप सर। जी जी, एंजाइटी से मैं बात करने से पहले मैं एक बात थोड़ा सा क्रिस्टल पे बात करना चाहूंगी, क्रिस्टल एक्चुअली में होते क्या है, छोटा सा टॉपिक, क्रिस्टल होते क्या है। क्रिस्टल जो है हमारे एक नेचुरल गिफ्ट है जो हमें हमारे अर्थ देती है, हमें नेचर देती है। तो ये होते क्या है, एक्चुअली होते क्या है, क्रिस्टल होते हैं जो अंदर ही अंदर एक मल्टी लेयर शेप, डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल लेयर्स के अंदर प्रेशर, एयर, मिनरल्स एंड सबसे मिलके बनते हैं। और ये काम कहाँ करते हैं, हमारी बॉडी पे करते हैं, हमारे चक्रास पे करते हैं, हमारे वाइब्रेशंस पे करते हैं, हमारी एनर्जीज पे करते हैं। ये है क्रिस्टल, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अभी हम बात करते हैं एंजाइटी। एंजाइटी आजकल सबको है, आप चाहे छोटे बच्चा, जो फोर्थ क्लास का है, थर्ड क्लास का बच्चा भी उठाओगे, एंजाइटी उसको भी है। एंजाइटी एक ऐसे इंसान को भी है जो घर में अकेला रह रहा है, उसको स्ट्रेस है अकेले रहने पे, उसको स्ट्रेस होता है वो अकेला रह रहा है, तो एंजाइटी से हम सब भरे हुए हैं। एंजाइटी आज हमारा एक ऐसा मेजर टॉपिक हो गया है जिसकी वजह से हमें इतनी सारी, एज डिस्कस, डायबिटीज, बीपी, इंसोमिया, हेडेक के साथ हमारे आ जाता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज द वन ऑफ द मेजर डिजीज जिसका की ट्रीटमेंट नहीं है हमारी मेडिकल अथॉरिटीज में या मेडिकल लाइन में, वो भी एक्सपेरिमेंटल पे जाते हैं कि ये मेडिसिन छोड़ के ये मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो ये इफेक्ट रहेगा। उसके साथ साथ क्या आ जाता है, हमारा फटीक आ जाता है, फटीक के साथ हमारी टेंडरनेस बॉडी में, स्टिफनेस, ये सब आती है। लेकिन एक छोटी सी चीज के साथ अगर आप अपनी एंजाइटी को दूर कर पाओ तो है ना, एक बहुत बढ़िया बात। मैं एक यहाँ पे आपको क्रिस्टल, आज आपने जो क्रिस्टल आज तक मेरे वेबिनार्स में सुनोगे बट आज कुछ नया भी सुनोगे मेरे साथ, सो बने रहिएगा मेरे साथ। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रेस की, स्ट्रेस के साथ अगर आप डील करना चाहते हो, क्योंकि स्ट्रेस के साथ सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस में भी प्रॉब्लम आती है, हमारे अपनी नेगेटिविटी भर जाती है,
अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्यूरिफाई करने के लिए, अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए वी नीड अ स्टोन जो कि हमें काम कर जाए, अ कामिंग स्टोन जो कि हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को कम कर जाए, जो हमें रिलीफ दे हमारे चीजों में. स्ट्रेस एग्जैक्टली अगर मैं स्ट्रेस को दो वर्ड्स में एलैबोरेट करने की कोशिश करूं, दैट इज मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशंस. ये आपको मूड स्विंग्स और डिप्रेशंस बहुत ज्यादा दिख जाते हैं. तो यहाँ पे आप लैपोडोलाइट मैं स्पेल कर रही हूँ LEPIGOLITE लैपोडोलाइट. ये क्रिस्टल है, इसकी रॉक कम से कम 500 ग्राम की रॉक को आप अपने पिलो में रखना स्टार्ट करो. जिसको इंसोमिया है, डिप्रेशन है, नींद में इशू है, आपको किसी भी तरह से इशू हो रहा है मेंटली, आप प्रॉब्लम में आ रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, मैं वीकनेस भी फील कर रही हूँ, तो दिस इज द क्रिस्टल लैपोडोलाइट. लैपोडोलाइट क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि सीधा सीधा आपके क्राउन चक्रा पे काम करता है. हमारे कितना कितना परसेंटेज ऑफ लैपोडोलाइट, मतलब कितना साइज का होना चाहिए और किस तरीके से? 500 ग्राम की रॉक होनी चाहिए. 500 ग्राम रॉक. कैन यू जस्ट सेंड मी द स्पेलिंग एट चैट बॉक्स, सबको भेज दें. जी बिल्कुल भेज दूंगा. एक सेकंड. अब उस लैपोडोलाइट जो क्रिस्टल है, इसको हमको रखना कैसे और यूटिलाइज कैसे करना है? जी, स्पेलिंग आ गए हैं सबको, आई थिंक सो सबके पास आ गए हैं स्पेलिंग. तो ये जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को सबसे पहले आप अपने घर में लाएंगे और इसको क्लीन करना है, चार्ज करना है, प्रोग्राम करना है. उसके बाद आप अपने घर, अपने पिलो, जो आप पिलो लेके सो रहे हो, अगर 500 ग्राम की रॉक देखेंगे तो इतनी सी आएगी, बहुत बड़ी रॉक नहीं होती है वो, क्योंकि हैवी होते हैं क्रिस्टल हमारे. तो उसको आप अपने पिलो में रखेंगे. पिलो में आ जाएगी. पिलो में आप नीचे की तरफ रख लो, पिलो के अंदर मत रखो, कवर के अंदर नहीं रखो, पिलो के नीचे रखो, मैट्रेस और पिलो के बीच में. तो ये दिस इज मैट्रेस, दिस इज पिलो, तो इन दोनों के बीच में रख दीजिए, तो वो रॉक आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी. हम यहाँ पे ट्राइंगल रॉक नहीं लेंगे, सिंपल रॉक आती है आपके पास, वो ले लेंगे. ठीक है राहुल भाई. मैट्रेस के अंदर, क्योंकि जो बेड साइड पे भी क्या होता है, बेड साइड पे नहीं रखना है इसको, इसको मैट्रेस के अंदर रखेंगे. राइट. सो अब ये तो हो गई एक सिंगल पर्सन की. अब एंजाइटी तो ऐसी चीज है कि देख के भी आती है, मतलब आपको जैसे अगर आपके हमेशा हंसमुख रहते हो, ऑलवेज यू स्माइलिंग, दैट्स योर वंडरफुल फेस मैन, बट आई एम सेइंग दैट कई बार हम में चिंता देख के, जैसे हम चिंता में होते हैं तो हमारे परिवार वाले भी चिंता में आ जाते हैं. राइट. क्योंकि हमारे चेहरे की मुस्कान ही तो परिवार की मुस्कान होती है, मतलब हम अपने एक दूसरे. 100% राइट हरजीत मैम, ऐसा ही होता है? जी सर. So, my base question is today, we want to know that, कि मैं चाहता हूं कि हम हमारे परिवार को कुछ ऐसी नॉलेज दें जिसके अंदर पूरे परिवार को हम एक ही क्रिस्टल से या दो क्रिस्टल से उसको जेल कर सके, मतलब उस एनर्जी को जेल करा सके. तो क्या एंजाइटी का बहुत बड़ा रोल है? मैं एंजाइटी के पीछे हमेशा क्यों लगा रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सबसे पहला प्रॉब्लम ही एंजाइटी होता है, और लोगों को रियल में पता नहीं होता कि एंजाइटी कब हो गई उनको, और एंजाइटी कब डिप्रेशन बदल जाती है, वो कब गई. एग्जैक्टली, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, कि हम अपने आप को बहुत दिनों तक ये जान ही नहीं पाते कि हमें एंजाइटी हो गई है. हम तब जाके ट्रीट कराने लगते हैं जब हम काफी डिप्रेशन या शुगर में आ चुके होते हैं, बीपी में आ चुके होते हैं. राइट. यस मैम, प्लीज बताएं. तो यहाँ पे हम जब अपने पूरे फैमिली को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो फैमिली को ट्रीट करने के लिए बहुत ब्रिलियंटली आपको प्लेस बताती हूँ. आप क्या करो, आप सेलेनाइट खरीदो. सेलेनाइट के टॉवर्स भी आते हैं, सेलेनाइट रॉक में भी आती है. सेलेनाइट खरीदो. सेलेनाइट को आप प्लेस करो अपनी विंडो पे, जो भी एयर आएगी विंडो, एनी डायरेक्शन और एनी विंडो,
any direction. Selenite is a master healer crystal. Selenite is a master healer crystal. आपकी जो विंडो आप ज्यादा ओपन करते हो या जहाँ पे आप ज्यादा एनर्जी है, जैसे सन आ रहा है या आप खोलते हो कि हमें हवा आए या हम यहाँ से क्लियर हवा आती है, तो उस विंडो पे रखिए. बिलीव मी, सेलेनाइट वो वंडरफुल काम करेगा आप सबके ऊपर, आपकी पूरी फैमिली के ऊपर, कि आपके घर में जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होने लग जाएगा. बिकॉज देखो, अगर कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है या वो उस स्पेशली इलनेस से जूझ रहा है, तो उसे ट्रीट करने के लिए एक डिफरेंट है. ये जो मैं आपको दे रही हूँ, ये कि वो उस इंसान को देखने के बाद हमारे जो पूरी फैमिली है वो ऑलरेडी डेफिनेटली एज पर राहुल भाई और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि स्ट्रेस होती है. एक भी घर में बीमार हो जाता है, बच्चे को देख के, पिता को देख के, पत्नी को, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है. ठीक है, माता पिता को देख के पूरे परिवार को टेंशन बता, हम नहीं पाते हैं कि हमें आज परेशानी है पर उनका चेहरा बोल रहा होता है. यस, तो वो एंजाइटीज होती है जो उसको सॉल्व कर सके. ये आप अपने विंडो साइड पे रखिए. ये आपका प्लेस इसको कर सकते हो आप टावर पे. अगर आपके विंडो में जगह है तो आप उसपे एक कांच का प्लेट रखिए और उसपे वो टावर या जो भी रॉक आपने बाय किया है वो रख सकते हैं. अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो सेलेनाइट के हैंगिंग्स आते हैं, सेलेनाइट के हैंगिंग्स मिलते हैं, वो हैंगिंग आप अपनी विंडो पे हैंग कर लीजिए. जैसे हम विंडचिल्ड नहीं करते, बेल्स नहीं करते हैंग, ऐसे आप हैंग कर लीजिए. ये करेगा क्या, ये काम करेगा आपके डायरेक्ट ऑरा पे, आपके पूरी फैमिली के ऑरा पे काम करेगा. और जितना आप इस स्टोन के आसपास जितनी ब्रीदिंग होगी वो आपकी एक पॉजिटिव एनर्जीज में चेंज हो जाएगा. और जितनी भी ब्लॉकिंग एनर्जीज होंगी, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, कितनी भी ब्लॉकेज हो, वो रिमूव हो जाएगी. व्हाट इज द साइज ऑफ द सेलेनाइट टावर? टॉवर सेलेनाइट का डेफिनेटली इस लेवल का होना चाहिए. छोटे टॉवर आते हैं वो हम क्रिस्टल के लिए यूज करते हैं, चार्जिंग के लिए, बट ये मैक्सिमम बड़ा जितना आप ले सकते हो. अगर यस मिनिमम इतना 12 इंच तक लेंगे. और अगर आप इसका कोई और साइज ले रहे हो, सिंपल एक रॉक ले रहे हो या कुछ ले रहे हो, तो 1 kg से नीचे रॉक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम अपनी विंडो साइड पे रख रहे हैं, विंडो साइड पे रख रहे हैं. यहाँ मैं हमेशा आपको एक चीज देती हूँ, रॉक लो, रॉ चीजों में जाओ. क्यों? क्योंकि क्या होता है, हमारे क्रिस्टल में मॉलिक्यूल पावर होती है, मिनरल्स होते हैं, जब कंपोजिशंस होती है, जो हमें नेचुरली आता है उसके अंदर हमारी चीजें ज्यादा सेफ रहती हैं और हम ज्यादा बड़ी अमाउंट में थोड़ा यूज कर सकते हैं, तो इज अच्छा इफेक्ट आता है. मैं ये नहीं कहूंगी हमें वैंड का इफेक्ट नहीं आता, बैंड का इफेक्ट नहीं आता, या हम पेंडेंट पहनते हैं उसका इफेक्ट नहीं आता. जब हम बात कर रहे हैं रखने की, तो हमेशा हम रॉक्स में रखेंगे या टॉवर्स में रखेंगे, जो जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है एज पर मार्केट. ठीक है जी, और इसको आप लगाइए. और ये आपके ये क्रिस्टल एक ऐसा, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेलेनाइट के मैं स्पेलिंग डाल रही हूँ, बिल्कुल सबके पास आ गए होंगे. सेलेनाइट इसकी रॉक खरीदिए या टॉवर 12 इंच से ऊपर ही हो, कम नहीं हो, उसको अपनी विंडो साइड पे प्लेस कीजिए. आप देखिएगा आपके घर में जो आने वाली एयर या ब्रीज जो भी है वो पॉजिटिव होके आएगी, नेगेटिव एनर्जी से परे आएगी, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव ऑरा आपकी लाइफ में इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाएगा. Right. So, मैं इसको क्लीन, मतलब हर कितने दिन में इसको एक बार वाटर से भी क्लीन करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सेलेनाइट को वाटर से क्लीन नहीं करते हैं. सेलेनाइट जो टावर होता है हमारा, हम वाटर से क्लीन नहीं करते हैं. सेलेनाइट को हम साउंड हीलिंग से क्लीन करेंगे, साउंड हीलिंग लगाएंगे. साउंड हीलिंग मींस मंत्रा से क्लीन करेंगे हम. ठीक है, हम मंत्रा से क्लीन करेंगे. जो मंत्रास है, क्योंकि जो सेलेनाइट है वो हमारे क्राउन चक्रा से, फिर अगेन से ये हमारे क्राउन चक्रा पे हील करता है. तो क्राउन चक्रा का बीज मंत्र मैं दे रही हूँ, दैट इज ओम. क्राउन चक्रा का बीज मंत्र है, दैट इज ओम. सो आप सेलेनाइट को हर 15 या हर वीक में ओम मंत्रा की 24 आवर्स में रखोगे. एक सिंपल क्लीनिंग बता रही हूँ जो हर कोई कर सकता है, बिकॉज जब हम क्लास में करते हैं तो हम तो बहुत सारी
नंबर्स करते हैं, कैसे कैसे हम करते हैं उसकी हीलिंग और कितने टाइम के लिए, बट आप 24 आवर्स के लिए नॉर्मल है सेलेनाइट को 24 आवर्स के लिए मंत्रा में रखिए और साथ में मेडिटेशन जरूर कीजिए, टू मेडिटेशन विद सेलेनाइट ऑल्सो क्रिएट अ मार्वेलस रिजल्ट्स। एनीवन जो भी करेगा सेलेनाइट के साथ मार्वेलस रिजल्ट्स, उसकी उसके रूट चक्रा पे बहुत बढ़िया इफेक्ट करेगा। अब रूट चक्रा की मैं बात करूं तो आजकल बैक पेन सबको है, राहुल भाई आजकल बैक पेन सबको है जी मैम, राहुल भाई इसीलिए मैंने राहुल भाई को कहा बैक पेन सबको है क्योंकि राहुल भाई भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बाय हिज ग्रेस बाय योर ब्लेसिंग्स आई एम वेरी मच बेटर नाउ। ओह वाओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो बैक पेन इज रियली इज अ बिग इशू फॉर द लेंथी पीपल, मतलब जो लोग लंबे हैं उनके लिए बैक पेन का बहुत बड़ा इशू है। और मेरा मेरे पास तो बैक पेन का सबसे बड़ा इशू तो हो पर अभी तो मुझे क्या बहुत सारे बच्चों से मैं लाइव मिला हूं तो मेरी एनर्जी डबल होगी तो बैक पेन तो वैसे ही हो गया। क्यों संदीप सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है ना जी। संदीप सर बिल्कुल डियर बिल्कुल एकदम आनंद आ गया, कम से कम 65 से ऊपर स्टूडेंट्स थे और सबने एंजॉय किया, सबने लर्निंग करी, पर्पस हमारा यही था कि कहीं सबके पेन दूर हो गए, सबके पेन दूर हो गए, पेन दूर हो गए, ठीक बात है। तो सेलेनाइट तो एक ऐसा हीलर है, मैं बात कर रही थी यहाँ सेलेनाइट की, तो सेलेनाइट तो एक ऐसा हीलर है जो कि आपके जितने भी क्रिस्टल्स हैं, जितने भी आप क्रिस्टल्स यूज कर रहे हो उसको भी आपको क्लीनिंग में डाल सकते हो उसके साथ। सो एवरीवन सबके पास होना चाहिए सेलेनाइट का टॉवर, मैं ये रिकमेंड करती हूँ। सेलेनाइट अगर आप अपने साउथ डायरेक्शन में लगा देते हो तो नेगेटिव कोई भी नेगेटिव किसी भी तरह का नेगेटिव प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। अब एक बार बताओ, हम 10 रेमेडीज करते हैं अलग अलग, बुरी नजर लग गई है और क्या होता है, बुरी नजर लग गई है, बच्चे ज्यादा पढ़ते नहीं है, बच्चों को प्रॉब्लम हो गई है, इन चीजों के लिए कितनी ही रेमेडीज कर जाते हैं लेकिन एक सिंपल बैड स्पिरिट्स है, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में घुस रही है, सिंपल सेलेनाइट को साउथ डायरेक्शन में रखो। तो मैम अब रखना का है, मैम अब रखना का है साउथ डायरेक्शन में या विंडो पे? दस देखिए यहाँ एंजाइटी को दूर करना है तो हम अपने विंडो में रखेंगे। अगर आप ये ट्रीट कर रहे हो कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरिया जिसे हम कहते हैं बुरी नजर लग गई, नेगेटिव एनर्जीज हैं, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो साउथ डायरेक्शन। तो देखिए एक ही क्रिस्टल को हम कितनी जगह यूज कर रहे हैं। तो मैम एक जनता पूछना चाहती है, क्या हम इसको दोनों साइड रख सकते हैं, मतलब कभी यहाँ पे कभी वहां पे? ऐसे नहीं, कभी उठाया यहाँ पे कभी उठाया वहां पे, नहीं मैम समझो एक पंथ से दो काज निकल रहे तो क्या वैसा थोड़ी नहीं, वो बात ठीक है बट इतना भी एक पंथ से दो काज नहीं कर सकते ना कि उठा के इधर से उधर करते रहेंगे, नहीं उसकी एनर्जी उस तरह से नहीं आ पाएंगी। अगर आप विंडो पे रख रहे हो तो सिर्फ प्लेस करो विंडो पे। तो इसको मंत्र आपने नहीं बताया कौन से मंत्र से इसको चार्ज करना, तो एक बार ओम की वाइब्रेशन, ओम की वाइब्रेशन से हम चार्ज करेंगे, 24 आवर्स रखेंगे हम इसको ओम के मंत्र के साथ, और साथ हम करेंगे मेडिटेशन। ठीक है, जितनी देर आप कर सकते हैं आप करें, राइट? जितनी देर आप कर सकते हो मेडिटेशन, जितनी देर आप कर सकते हो दैट इज अप टू यू, बट ओम मंत्र के साथ हम सेलेनाइट को 24 आवर्स जरूर रखेंगे फॉर क्लीनिंग। राइट राइट मैम राइट। सो सेकंड हम चल रहे थे, जैसे ही एंजाइटी जाती है डिप्रेशन के अंदर, डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल। तो डिप्रेशन सेलेनाइट से हम कवर कर पाएंगे क्या? पहला एक क्वेश्चन, कैन वी कैप द टू सेलेनाइट टावर्स इन द हाउस? दो डेफिनेटली बिल्कुल रख सकते हो आप, दो सेलेनाइट टावर बिल्कुल रख सकते हो। तो ज्यादा एनर्जी ब्लास्ट होना कर जाएगी मैडम? नहीं कुछ नहीं होगा, एनर्जी पॉजिटिव ही होगी। आप साउथ डायरेक्शन में रखिए और उसके बाद आप अपनी विंडो पे रखिए, आप देखिएगा इफेक्ट सेलेनाइट का, मार्वेलस इफेक्ट्स देखे जाएगा, मार्वेलस। क्लीनिंग के बाद इसको प्रोग्राम करके वहां पे हम रख सकते हैं। यस क्लीनिंग के बाद प्रोग्राम करके इसको चार्ज करके हम वहां पे रखेंगे, हम पर्टिकुलर डायरेक्शन जो हम यूज कर रहे हैं तो उसके बाद देखिएगा उस चीज का मार्वेलस रिजल्ट्स। आपको कोई और रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सेलेनाइट का टॉवर खरीदिए और उसको लगाइए अपने घर पे।
राइट मैम, सो दिस इज फॉर द होल फैमिली राइट? यस, दिस इज फॉर द होल फैमिली। जो आपने पहले वाला क्रिस्टल बताया था लेप्टाइट, लेपिडोलाइट। सो दैट ओनली फॉर द सिंगल पर्सन फॉर द यूजिंग राइट? हाँ, वो हम ट्रीट कर रहे हैं वो उसको जो ऑलरेडी डिप्रेशन से जूझ रहा है या जिसको ऑलरेडी डिप्रेशन आ चुका है। जी राइट मैम, राइट। सो नेक्स्ट हम चल रहे हैं डिप्रेशन से बाहर निकल, मतलब एंजाइटी से। अगर बच्चा पर्सन जो आदमी या व्यक्ति जो इंसान उसमें परेशान से रह जाता है तो वो चला जाता है डिप्रेशन की ओर। डिप्रेशन की ओर, बिल्कुल। सेलनेट और डिप्रेशन से भी बाहर निकालने की पूरी हेल्प करता है। बिल्कुल, वो आपके क्राउन चक्रा पे काम करता है। जब चीज कहते हैं ना यूनिवर्स के ऊपर की तरफ चक्रा पे काम होने शुरू कर जाती है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली नीचे तक सेटल होने लग जाती है। सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड्स, सिक्रीशन ऑफ थिंग्स जो हमारी बॉडी के निकलते हैं। देखो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं, चाहे हम थाइम ग्लैंड की बात करें, चाहे हम थायराइड ग्लैंड की बात करें, चाहे हम स्वेटिंग ग्लैंड्स की बात करें, देयर्स लॉट्स ऑफ ग्लैंड्स। सो ये हर ग्लैंड पे काम करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सेलेनाइट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सेलेनाइट क्रिस्टल। राइट देन मैम, सो डिप्रेशन के बाद आ जाती है, डिप्रेशन से अगर आदमी निकल आगे बढ़ता है तो पहले उसको आती है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज में बीपी, शुगर और इन सब की तरह अलग अलग आती है। क्रॉनिक डिजीज में सबसे पहले आता है आपका इम्यून सिस्टम। हाँ, इम्यून सिस्टम आता है, उसी से आपको बीपी और शुगर आता है। जी जी मैम। सो इम्यून सिस्टम जो हमारा एक सबसे बढ़िया एक्सीलेंट हमारा जो क्रिस्टल काम करता है इम्यून सिस्टम पे, वो मैं अभी बात बताऊंगी आपको बताऊंगी, बट मैं उसका बताऊंगी वो यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। अब खाली वो आपके बीपी पे कंट्रोल नहीं कर रहा, वो आपके कोल्ड्स पे, फ्लू पे, इन्फेक्शन पे, इन्फ्लामेशन पे, कोल्ड, फ्लू, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, आपकी बॉडी की कोई भी ऐसी इलनेस जो आपके एनर्जीज को डिक्रीज कर रही है वो, और सबसे बड़ी बात आपके बीपी के ऊपर, दैट इज अ ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन, द क्रिस्टल इज ब्लड स्टोन। मैं लिख रही हूँ इसको चैट के ऊपर। जी मैम, ब्लड स्टोन, ब्लड स्टोन क्रिस्टल एक ऐसा ब्लड कलर का आता है। हाँ जी, ब्लड स्टोन दो कलर में आता है, ग्रीन कलर में आता है, रेड कलर में आता है। तो विच वन यू आर गोइंग टू यूज? यहाँ पे हम रेड कलर का ब्लड स्टोन यूज करेंगे, यहाँ पे हम रेड कलर का ब्लड स्टोन यूज करेंगे। तो ये जो ब्लड स्टोन है, ये रेड कलर का जो ब्लड स्टोन है, वो आपको कोल्ड, कफ, फ्लू, इन्फेक्शन, इन सबसे करेगा, और ये साथ ही साथ आपके हार्ट चक्रा पे काम करेगा। ये सबसे बड़ी बात, ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये आपके ब्लड को प्यूरिफिकेशन में डाल देता है। दिस इज द क्रिस्टल जो आपके ब्लड को प्यूरिफिकेशन में डालता है। और एक सबसे मजेदार बात, आज ये भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत है इन अ फीमेल्स, इन अ यंग गर्ल्स। There is a lots of cases I can handle in a daily basis, that is PCOD. PCOD से हमें infertility भी आती है, but infertility को treat करने से पहले हमें सबसे पहले treat करना पड़ेगा PCOD को। तो अगर आप PCOD treat कर रहे हो तो green blood stone use करेंगे आप। मैम, blood stone आपने बोला red color का ये use करेंगे for the blood pressure, right? Yes. Low and high both. Both, low and high both. Blood stone तो आपके metabolism को भी बहुत बढ़िया से settle कर देता है। देखो ये इतना बढ़िया काम करता है कि अगर किसी का metabolism low है तो उसको high करता है, अगर high है तो low में डाल देता है। Right. ये इतना brilliantly काम करता है क्योंकि ये आपके energies के साथ gel करके आपको confirm करता है कि इसका जो metabolism है body का low है या high है। ये automatically switch करता है उस चीज को। जी जी संदीप सर, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ये जय गुरु जी डियर, जय गुरु जी। ब्लड जो ब्लड को कंट्रोल करता है वो दैट इज दैट ब्लड स्टोन।
Yes, blood stone. So how are we going to use it and how will करते हैं उसको वो बात करते हैं उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं संदीप सर बाय अ ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी वी आर कमिंग विद अ क्रिस्टल एडवांस क्रिस्टल इन एक्सक्लूसिव वर्कशॉप बाय 7 टू 10 डेज की जो वर्कशॉप आ रही है वो आ रही 31 अगस्त से क्या बात है बहुत बढ़िया सॉरी इसमें टाइमिंग गलत है ये इस बार बैच आ रहा है 9:30 का ओके डियर इस बार बैच आ रहा है 9:30 का जिसमें आपको सर्टिफिकेशन लाइव क्लास रिकॉर्डिंग एंड स्टडी मटेरियल्स कम्प्लीटली दिया जाएगा राइट सो ये कम्प्लीट हीलिंग कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में मीनाक्षी मैम प्लीज एक्सप्लेन स्मॉल अगर आप बताएं कि हम क्या क्या सीखेंगे प्रॉपरली बिल्कुल बिल्कुल इसमें हम सीखने वाले हैं जो अभी हमारा क्रिस्टल की पूरी वर्कशॉप आने वाली है सो इसमें हम सीखेंगे पहले सबसे पहले क्रिस्टल को जानेंगे क्रिस्टल क्या है डिफरेंस टाइप ऑफ क्रिस्टल और डिफरेंट कैसे है ये जेमस्टोन से डिफरेंट कैसे ट्रीट करते हैं कैसे एक काम करते हैं डिफरेंस बिटवीन द जेमस्टोन एंड द क्रिस्टल उसके बाद इनकी शेप्स इनको क्लीन कैसे करना है उसके बाद इनको चार्ज कैसे करना है या हम इसमें इस क्लास में हम 60+ क्रिस्टल्स को पढ़ेंगे उनकी फिजिकल मेटाफिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे उनकी हीलिंग प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे हम ये भी देखेंगे कि रियल और फेक क्रिस्टल में डिफरेंस कैसे करेंगे बहुत ज्यादा आपको फेक क्रिस्टल्स भी मार्केट में मिल रहे हैं हम ये भी देखेंगे कि आपको रियल और फेक क्रिस्टल्स कैसे सिलेक्ट करने हैं पर्सनलाइज्ड क्रिस्टल व्हाट इज द पर्सनलाइज्ड क्रिस्टल पर्सनल मींस आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें उस इंसान को क्या देना चाहिए और यहाँ पे हम बात करेंगे यस डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू द हम चक्रा उसकी ऑरा उसको चेक करेंगे क्या हमारे डेफिशिएंसी है विद द डेट ऑफ बर्थ के साथ हम ऑरा को चेक करेंगे उसके हिसाब से हम उसके पर्सनल क्रिस्टल्स को बनाएंगे और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगी व्हाट इज द कैसे कॉम्बिनेशन करना है कॉम्बिनेशन किन किन क्रिस्टल्स का कैसे कैसे करके कौन कौन से चीजों पे हम इफेक्ट ला सकते हैं और कॉम्बिनेशन में बनाएंगे कैसे यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि कॉम्बिनेशन में अगर हमने 3 क्रिस्टल यूज करे हैं उसके अंदर थ्रेड कौन सा यूज करेंगे आप लोगों ने ये देखा होगा अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का थ्रेड यूज किया हुआ है ये ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी ग्रीन कलर उठा के पहन लिया नहीं एज पर द एस्ट्रोलॉजी आई एम द जेमिनी पर्सन मैं 3 नंबर की लग्न से बिलोंग करती हूँ तो जेमिनी के रूल जो करते हैं वो मरकरी करते हैं बट देखो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं पहना हुआ यहाँ मैंने इस बैंड में ग्रीन कलर नहीं पहना बट मैंने यहाँ से लिया है तो ये कैसे करना है इसको हम कैसे बनाएंगे कैसे कॉम्बिनेशंस करेंगे उसके बाद हमारे बेनिफिट्स क्या होंगे हम क्रिस्टल से हीलिंग कैसे करेंगे दूसरे की उसके बाद हम ये करेंगे कि हमारी एनर्जीज जो हमारे डिजीजेज हैं अगर मैं डिजीजेज के नाम लेना शुरू करूं हार्ट स्ट्रोक आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लैक ऑफ एनर्जी जेलस टेंडरनेस उसके बाद डिफिकल्टीज इन स्टडी डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन उसके बाद आपके इंसोमिया जिसे हम डिफिकल्टी इन स्लीपिंग कहते हैं उसको हम बात करेंगे स्ट्रेस जेलस टेंडरनेस उसके बाद हम बात करेंगे आपके फियर्स के ऊपर उसके बाद हम बात करेंगे आपके माइंड आपके सोल के ऊपर आपको ओपन अप कैसे करना है अपने आप को क्रिस्टल्स को एक्ने के ऊपर पीसीओडी इनफर्टिलिटी क्रिस्टल विद वास्तु देखेंगे क्रिस्टल के साथ हम एस्ट्रोलॉजी को जोड़ेंगे क्रिस्टल के साथ हम न्यूमरोलॉजी को जोड़ेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम क्रिस्टल ग्रिड बनाएंगे द डिस्टेंस हीलिंग जिसे हम कहते हैं उसको बनाएंगे वो कैसे बनानी है उसमें मास्टर क्रिस्टल्स कैसे रखते हैं उसके अंदर मास्टर चिट्स कैसे रखेंगे उनको प्लेस कैसे करने हैं उनके साथ पैटर्न कैसे यूज करना है क्रिस्टल ग्रिड को एनर्जाइज कैसे करना है उस पर्टिकुलर इंसान की फोटोग्राफ उसकी डेट ऑफ बर्थ कैसे यूज करनी है दिस इज ऑल कम इन योर क्रिस्टल ग्रिड और उसके अंदर हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं सबसे पहली बात चक्रास आपकी बॉडी को रीड करेंगे बॉडी कौन कौन से चक्रा कहाँ कहाँ पे आपके बॉडी पे प्लेसेस हैं और किन किन बॉडी ऑर्गन कौन कौन सा बॉडी ऑर्गन हमारे कौन कौन से चक्रा के अंडर आता है और कौन कौन सी इलनेस चक्रा के अंदर आती है उसके भी हम क्रिस्टल्स को रीड करने वाले हैं विद द फिजिकल मेटाफिजिकल एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ ठीक है जी और इलनेस की अगर मैं बात करनी स्टार्ट इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे क्लीनेस करेंगे 60+ क्रिस्टल को और में
properly samjhenge, combination of the crystal samjhenge, the which combination goes with the date of birth, this combination goes with the medical. So we can learn all this. Aura calculate karna sikhenge hum. स्टूडेंट्स के लिए right. हमें कौन से क्रिस्टल्स लेके आने चाहिए क्रिस्टल right, right. कौन से क्रिस्टल्स हमें अपने स्टूडेंट्स को रखने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस देयर इज लॉट्स ऑफ लॉन्ग लिस्ट एंड वी हैव आल्सो लर्न द ग्रेडिंग एंड द हम लोग ग्रेड करना सीखेंगे क्रिस्टल को बिल्कुल ग्रेडिंग करनी हम बिल्कुल सीखेंगे जिसे हम डिस्टेंस हीलिंग कहते हैं उसको ग्रिड में कैसे प्लेस करना है क्रिस्टल्स को क्योंकि आप क्रिस्टल्स लाके सिंपल रख नहीं सकते हो उसको हमें कैसे प्लेस करना है कौन सा हमें मास्टर क्रिस्टल बनाना है मोर देन 20 ग्रिड्स वी आर गोइंग टू एंड द कस्टमाइजेशन ग्रिड्स मतलब कैसे कस्टमाइज 2025 हम क्रिस्टल ग्रिड्स करेंगे 2025 क्रिस्टल ग्रिड्स करेंगे अब इसके अलावा ग्रिड कैसे बनानी है कस्टमाइजेबल वो भी सिखाया जाएगा बिल्कुल 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 एंड ऑरा को चेक करना और ऑरा को क्लीन करने का थ्रू बाय द क्रिस्टल हाउ वी कैन डू दैट राइट बिल्कुल बाय डेट ऑफ बर्थ भी हम क्रिस्टल बाय डेट ऑफ बर्थ बाय नेम हम ऑरा को कैलकुलेट भी करना सीखेंगे This complete course is coming where 21st, मतलब ये 8 से 10 दिन का आपके लिए वो course आ रहा है on 21st अगस्त शाम का आपको 9:30 बजे का batch इसमें timing नहीं लिखा है 9:30 बजे का batch जिसकी energy exchange है 7080 और इसका अंदर आपको certification, live class recording और study material मतलब complete PDF भी आपके साथ share की जाएगी बहुत ही बढ़िया राहुल भाई so bio blessings well done मीनाक्षी जी well done बहुत बढ़िया ज्यादातर इसमें हमारी सिस्टर्स हमारी मदर्स ही आती हैं और कहीं ना कहीं पे रक्षाबंधन का त्योहार अभी गया है तो इसके लिए राहुल भाई जरूर हमें कुछ ना कुछ स्पेशल डिस्काउंट देना चाहिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो पर ज्यादातर मीनाक्षी के साथ जो फैन फॉलोइंग है वो ज्यादातर लेडीज की है जी जी सर कुछ आशीर्वाद दें सर इस पर देखो आशीर्वाद तो बहुत सारे दिए हैं आप कह रहे हो तो कहीं ना कहीं पे मंथ भी ऐसा है इसके लिए स्पेशल कोर्स जो आप लेके आ सकते हो जो आज अगर रात को 12 बजे तक पेमेंट कर देता है तो 5559 अभी जो आपने बोला है दैट इज 7080 स्पेशल डिस्काउंट करके जो रेट आएगा दैट इज 5559 ऑलमोस्ट 1500 रुपए डिस्काउंट मिलेगा जी डियर जी डियर दैट्स ग्रेट थैंक यू सर एक रिक्वेस्ट और है जी डियर कर दो ये डिस्काउंट है ना टिल क्लास स्टार्ट होने तक 20 अगस्त तक जो एडमिशंस ले लो कर दो 20 अगस्त रात को 12 बजे को 20 अगस्त लास्टवी का दिन है कर दो 20 अगस्त को वेबिनार है दे दो 20 अगस्त को एक और वेबिनार है क्रिस्टल के ऊपर जिसके अंदर okay. उसी के अंदर हम बात करेंगे प्रॉपर्ली ठीक है ये तो डियर कृष्ण भगवान का दिन है दैट्स रियली ग्रेट थैंक यू संदीप सर राधे के बिना हमारा काम कहां चलता है बिल्कुल सर जन्माष्टमी तो जन्माष्टमी है जी जी साइड थैंक यू संदीप सर थैंक यू सर एक मिनट दीजिएगा जी 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 तो मीनाक्षी जी जी, जी, जैसे डेट ऑफ बर्थ को पढ़ के हम क्रिस्टल से सपोर्ट लेंगे वो भी आप सिखाने वाली हैं और सर, उसके अलावा जी 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 सर हम नाम से भी सर कैलकुलेट करेंगे नाम से अब ये होता है कि सबके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं हो पाती है जी मेरी डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं है या मैंने मेरी दो डेट ऑफ बर्थ है तो वहाँ कंफ्यूजन नहीं तो हम यहाँ पे नाम से भी कैलकुलेट करेंगे आपके ऑरा को ऑरा में कौन कौन सी चीजों की डेफिशिएंसी है वो हम कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे अब हम बात करते हैं कि मैं मेरे पास कोई आता है तो मैंने अगर उसका नेम से उसको मैं ये बता दूं कि मैम आपके क्या आपके बैक में पेन रहता है आपके बैक में पेन रहता है डाइजेशन में इश्यू है क्या आपको सिंपल एक अगर मैं डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर दूं तो यू नो ये चीज हमारे चक्रा से डील कर रही है ये मैं कैसे बताऊंगी ये मैं चक्रा से बताऊंगी क्योंकि डाइजेशन कम अंडर हमारे सोलर एप्लेक्स और सेक्टर चक्रा के अंदर आती है मैम एक सेकंड राइट जी जी राहुल भाई थैंक यू संदीप सर थैंक यू मीनाक्षी मैम थैंक यू गुरु जी थैंक यू ब्लेसिंग फॉर दिस जन्माष्टमी में आपने ये जो कोर्स है उसके लिए जो आप एडमिशन लेते हैं 20 अगस्त रात को 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है आप लोगों के लिए 5559 5,559
सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन है, आपको खेल में आपको पेमेंट डिटेल पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट आपको 7715930333 मिशन, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स 8 से 10 दिन का ये कोर्स आपको पूरे प्रॉपरली मिलेगा, जिसके अंदर आपको 60+ क्रिस्टल की नॉलेज, 60% आपको कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन के थ्रू हम क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं, साथ ही हम लोग इसके अंदर 25 प्लस ग्रिड की कस्टमाइजेशन, कि आप अपनी ग्रिड भी कैसे बना सकते हो वो कस्टमाइजेशन, ऑलमोस्ट 50+ वी आर गोइंग टू कवर द मेडिकल हेल्थ, मतलब बीमारियां जो डिजीज हैं वो 50+ डिजीज भी हम इसके अंदर कवर करेंगे, किस तरीके से क्रिस्टल से डिजीज को हम कवर कर सकते हैं, क्रिस्टल को क्लीन करना, प्रोग्राम करना और उसको चार्ज करना, कैसे हम करेंगे डिस्टेंस हीलिंग से, डिस्टेंस हीलिंग मतलब क्रिस्टल के माध्यम से हम यहाँ से बैठे हुए किसी भी इंसान को हील कैसे कर सकते हो प्रॉपरली सीखेंगे। इसका बैच है रात को 9:30 बजे, स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेशन और लाइव क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, राइट? डन, थैंक यू मैम। और आप इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए संपर्क कर सकते हैं 7715930333, मैं वापस रिपीट कर देता हूं 7715930333। थैंक यू संदीप सर, राइट डियर, राइट, थैंक यू जी। कविता गुप्ता जी एक क्वेश्चन ले लेते पहले, कविता गुप्ता जी का प्लीज प्लीज। हेलो हेलो, जय गुरुजी मैम, जय गुरुजी मैम। सर हमारी ऑरेंज कैनन की क्लास भी 9:30 से है सर, कैसे हो पाएगा? संदीप सर आपसे ही सवाल है, मुझसे नहीं है इस बार सवाल, इस बार आपसे सवाल है, हर बार मैं फंसता हूँ, इस बार आप न्यूमरोलॉजी के बाद क्रिस्टल ही करना चाहती थी, पर वो वास्तु में बहुत अच्छा ऑफर आया था तो लेना पड़ा, फिर सोचे चलो अब नेक्स्ट टाइम अगर कर लूंगी, इस बार भी और आप फिनिश हो तब तो कर, एक साथ दोनों है, देखते हैं मैडम उसमें क्या टाइम आउट कर सकते हैं, मीनाक्षी मैडम से बात करते हैं, अगर एक बैच उसमें और बन पाया तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा, करते हैं मीनाक्षी मैडम से बात। जी ओके, थैंक यू संदीप सर, थैंक यू, सॉरी सर अब म्यूट हुए सर, प्लीज अनम्यूट करें। जी संदीप सर, जी राहुल भाई कुछ कह रहे थे आप? मैं तो कविता मैडम को थैंक यू कह रहा था, कविता मैडम थैंक यू। अच्छा हाँ, कविता मैम आई थी ना हमारे लाइव क्लास में। जी कविता मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा कविता मैम, थोड़ा बताओ। मैं तो सर सबसे दूर से आई थी जी, फार्देस्ट फ्रॉम जयपुर, तो और फ्लाइट का भी था, मुझे लगा मेरे लिए वर्थफुल रहेगा, नहीं रहेगा, एक तो लालच थी कि सारे टीचर्स से मिल लूंगी लाइव, सर्टिफिकेट का फोटोग्राफी हो जाएगा, पर मेरे लिए इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने जो सीखा वो मैं ऑनलाइन नहीं सीख सकती जब तक मैं वो लाइव क्लास में नहीं आती, और मुझे लग रहा था मेरा वास्तु जाके कंप्लीट हुआ, और भी इतनी नई नई चीजें जानने को मिली, ग्राफोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी, जो भी मुझे लगता है कम से कम बच्चों को तो आनी ही चाहिए, कैलीग्राफी की जगह वो ग्राफोलॉजी सीखे तो उन्हें ज्यादा काम आएगा, और नेम न्यूमरोलॉजी और बहुत सारी जो सर ने सिखाई थी, रेखी का सब कुछ बहुत अच्छा था, इट वॉज अमेजिंग सेशन, सबसे मिलके बहुत मजा आया, फन। मैम सबसे बड़ा अचीवमेंट तो एक और मिला था, वो तो भूल गया। हाँ मेरे मम्मी पापा भी वो भी कन्विंस हो गए कि वास्तु, देयर इज समथिंग लाइक वास्तु एंड नेम न्यूमरोलॉजी, उन्होंने भी जब सर आई पी सिंह सर ने उनके नाम के अकॉर्डिंग उनके करेक्टर बताए तो वो भी मानने पे मजबूर हो गए कि हाँ देयर आर समथिंग लाइक दिस इन दिस वर्ल्ड, और उन्हें भी काफी हील हुआ, और वो भी कुछ परचेज करके गए ताकि वो यूज करें। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। जी मीनाक्षी मैम, सो हम बीपी की बात कर रहे हैं, ब्लड स्टोन की जी बिल्कुल, हम ब्लड स्टोन की बात कर रहे हैं, तो मैं ब्लड स्टोन में बता रही थी कि जो ब्लड स्टोन खाली आपके बीपी में भी नहीं, आपके कोल्ड में, फ्लू में, इन्फेक्शन में करता है, ब्लड स्टोन सबसे बड़ा जो अप्रोच करता है, फोकस करता है, वो आपके हार्ट चक्रा पे करता है। सो हार्ट चक्रा का प्योरीफाई, ब्लड का क्लीन करने का चैनल अगर किसी के अंडर आता है, दैट इज कमिंग टू ब्लड स्टोन। तो ब्लड स्टोन के साथ मैं अभी बात भी कर रही थी कि पीसीओडी, अगर आप किसी का इनफर्टिलिटी ट्रीट कर रहे हो तो आप जब ट्रीट करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कई केसेस में आपको ऐसा आएगा
कि जिसमें आपको ट्रीट करना पड़ेगा पीसीओडी को, तो पीसीओडी भी हम ब्लड स्टोन के साथ ट्रीट करते हैं। तो इसको कैसे वेयर करना है, इसको पेंडेंट पहनाएंगे, हम पेंडेंट पहनेंगे। जो भी है जिसको भी ब्लड स्टोन दे रहे हो आप उसे पेंडेंट पे दीजिए, और पेंडेंट का जो चेन है क्योंकि ये हमारे हार्ट चक्रा तक जाएगा, तो जितना ही हमारे हार्ट के पास रहेगा, इसका क्यों हम इसको पेंडेंट में दे रहे हैं, बिकॉज जितना ही हमारे हार्ट के पास रहेगा उतना जल्दी ये स्टिमुलेट करेगा, उतनी जल्दी ये पावर्स देगा, उतनी जल्दी ये प्योरिफिकेशन देगा। तो जब भी आप क्रिस्टल को कभी भी किसी मेटल में पेंडेंट में डालना चाहो तो वो दैट इज ओनली एंड ओनली क्रिस्टल हमारा डलेगा सिल्वर में, और कोई भी मेटल नहीं हम यूज करेंगे, ओनली एंड ओनली सिल्वर मेटल में हम यूज करेंगे। ठीक है जी। तो अगर आप पीसीओडी ट्रीट कर रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर यूज कर रहे हो तो रेड कलर का आप यूज कीजिए ब्लड स्टोन। ठीक है। और इसके साथ अगर आप ब्लड स्टोन के साथ अगर आप यूज करते हो एमेथिस्ट को, तो ये आपको एक और पावरफुल इफेक्ट क्या देगा, ये आपके पावरफुली जो ब्लॉकेज है चीजों के अंदर, स्पेशली हार्ट चक्रा के अंदर, उसको ओपन करेगा। सो दिस इज आई एम टेलिंग यू द वन ऑफ द कॉम्बिनेशन में आप इसको ट्राई कर सकते हैं। राइट मैम, सेकंड चले आगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट इलनेस पे चलते हैं क्योंकि आज हमने इलनेस कवर करनी है, तो फटाफट से चलते हैं अगली इलनेस पे। जी मैम, नेक्स्ट किस पे लेंगे मैम, कौन सी इलनेस ले रहे हैं? नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ऐसी चीज पे जो कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या करती है, हमारी सोल। हम सोल पे काम करेंगे। हम डिप्रेशन को हील करने जाते हैं बट हम अपने भूल जाते हैं अपनी सोल पे काम करना। सोल के साथ क्या होगा, हमारी जितनी भी हमारी एनर्जी है उनको हम पॉजिटिविटी, जो हमारी फिजिकल एनर्जीज को पॉजिटिविटी, और साथ ही साथ हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रीट करेंगे। यहाँ पे बहुत लोगों का इश्यू होता है राहुल भाई, ये भी बहुत इश्यू आजकल प्रोमिनेंट हो रहा है, इनडाइजेशन का। भूख कम लगती है, डाइजेशन नहीं होती है, भूख लग रही है तो डाइजेशन नहीं हो रही है, बार बार आपका स्टमक एक होता है या स्टमक खराब होता है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आप लोग यूज कीजिए येलो सेलासाइड। स्पेलिंग में डाल रही हूँ, एक सेकेंड। येलो सेलासाइड एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि एक मल्टी विटामिन का काम करता है टूवर्ड योर सोल। मल्टी विटामिन बॉडी को नहीं, सोल को भी चाहिए। आपकी ओवरऑल जितनी भी फिजिकल आपकी एनर्जी है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है, उसको कलेक्ट करके उसको एनहांस करता है। ये जो येलो सेलासाइट है आपके बॉडी में से टॉक्सिन को रिमूव भी करता है, और आपके इम्यून सिस्टम और मेटाबोलिज्म पे काम करता है, और सबसे बड़ा काम इसका डाइजेशन पे है। ये डाइजेशन पे काम करता है और आपको वो देता है। देखिए, क्योंकि इसमें हमने येलो सेलासाइट लिया, सेलासाइट हमारे पास बहुत कलर्स में आते हैं, येलो ही क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे भी फिर अपने चक्रा को डील कर रहे हैं। येलो कलर इज रिप्रेजेंट टू हमारा थर्ड चक्रा, दैट इज सोलर चक्रा पे हम काम कर रहे हैं। तो जितने भी डाइजेशन का, जिसको भी डाइजेशन का इश्यू हो, येलो सेलासाइट। अब येलो सेलासाइट को यूज कैसे करना है, येलो सेलासाइट को आप अपने लिविंग रूम में, जो भी आपका लिविंग रूम है, अगर लिविंग रूम नहीं है तो आप इसको बेडरूम में भी रख सकते हैं। बेडरूम में आप इसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए, बेडरूम में भी नॉर्थ डायरेक्शन अगर आपका ओपन है आप रख सकते हैं तो रखिए, अगर नहीं हो रहा है तब भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको टेबल, कोई भी टेबल लगाया उस पे भी रख सकते हैं, अगर आप उस डायरेक्शन में नहीं रख सकते। तो आप लोगों का डाइजेशन जो कि एक फिर से एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वो ट्रीट होने लग जाएगा। अगर हम अगली, जी राहुल भाई,
जी मैम अगली बीमारी की तरफ बढ़ते हैं, अगली इलनेस की तरफ बढ़ते हैं जी मैम। अगला इलनेस कौन सा करें हम? डायबिटीज को ट्रीट करते हैं। डायबिटीज के लिए हम बात करेंगे, हमारे लिए जो डायबिटीज के लिए क्या हम यूज करेंगे, सिट्रिन और पिंक ओपल। यहाँ पे सिट्रिन और पिंक ओपल का करना क्या है, ना ही हम इसे पहनेंगे ना ही हम इसे कहीं प्लेस करेंगे, इसे रखेंगे अपने पास एक पाउच में। पिंक ओपल और सिट्रिन को रॉक ले सकते हैं, रॉ चंक्स ले सकते हैं आप, उसको हम रखेंगे अपने पास एक पाउच में जी। और स्पेलिंग क्या होगी इसकी? जी संदीप सर मैं लिख देती हूँ। जी राहुल भाई सर एक चैट में मैसेज दीजिए। ओके डियर, पिंक ओपल एंड सिट्रिन के स्पेलिंग, पिंक ओपल एंड सिट्रिन, वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट, मतलब कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं लेकिन हम इसको पहनेंगे नहीं, इसको हम रखेंगे अपने पास पाउच में रखेंगे। और क्या करेंगे, हर रोज दो टाइम इफ इट इज पॉसिबल, तो दो टाइम, नहीं तो वन टाइम इज मैंडेटरी, एक टाइम तो 100% आपको काम करना है इसके साथ। क्या करना है, 10 to 15 मिनट आप इन क्रिस्टल के साथ मेडिटेशन करेंगे। जो मेडिटेशन पोज में बैठ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बैठ सकते कोई इश्यू नहीं है, आप सुखासन में बैठिए एंड दिस मुद्रा, ये वाली मुद्रा हाथ के ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर अपने क्रिस्टल प्लेस कीजिए और साथ में आप मेडिटेट करना शुरू कीजिए। ये 10 to 15 मिनट्स आपको करना ही करना है डेली, अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग करते हैं दैट इज ब्रिलियंट। और यहाँ पे डायबिटीज की मैं बात कर रही थी, डायबिटीज भी हम डील कर सकते हैं ग्रीन कलर के ब्लड स्टोन के साथ। तो ग्रीन कलर का ब्लड स्टोन का क्रिस्टल आप पहनाइए या पहनिए, ग्रीन कलर का ब्लड स्टोन जो है आप उसे पहनिए, बिलीव कीजिए। इंसुलिन वाले पेशेंट को भी आप ट्रीट कर सकते हैं जो मैं ये चीज बता रही हूँ। बस ये ध्यान रखिएगा आपके जो क्रिस्टल्स हों वो अच्छे से क्लीन हो, एनर्जाइज हो, प्रोग्राम बिलीव कीजिए। ये सेम कॉम्बिनेशन के साथ हमने इंसुलिन तक हटाया है जो मैं आपको आज दे रही हूँ। तीनों का कॉम्बिनेशन डालिए और मेडिटेशन कीजिए, वंडरफुल रिजल्ट यू पीपल कैच, अ वंडरफुल रिजल्ट्स। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जी। राहुल भाई जय गुरु जी। राहुल भाई के पास जरा कॉल आ गया है, वो जरा कॉल में व्यस्त हो गए हैं, आपने और मैंने ही संभालना है। ओके नो इशू। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन। देखिए आजकल क्या होता है, डिजीजेस तो हमने थोड़ी ट्रीट करी लेकिन हमें हर चीज को ट्रीट करना है। आजकल जमाना किस चीज का है, कम्युनिकेशन का। आपका कम्युनिकेशन अच्छा तो आप सब कुछ जीत सकते हैं। This is the only and only the word. आगे आने वाली जो हमारी next generation है, अगर उनका communication अच्छा रहेगा तो वो हर चीज में अव्वल आएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और आज की डेट में भी टीचर्स हैं, IT professionals हैं, हम लोग हैं, healing power में हैं, तो हमारा communication सबका अच्छा होना, it's a very very important. And यहाँ पे हम एक और डिजीज को करेंगे, that is thyroid. बहुत कॉमनली अप हो रहा है थायराइड आजकल। अगर 10 लोग अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अपना ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, तो उसमें से 6 से 7 लोगों को थायराइड बिल्कुल आ जाता है। तो थायराइड किससे डील हो रहा है, थायराइड में क्या है, हमारे ग्लैंड्स, हमारे थ्रोट के अंदर ग्लैंड्स में डिसबैलेंसिंग हो जाती है। जो डिसबैलेंसिंग हो रही है वो हमारे थ्रोट चक्रा के साथ हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम अपनी बात करते हैं तो मैं लिख रही हूँ पिंक स्मिथसोनाइट करके है एक हमारा क्रिस्टल, चैट में डाल रही हूँ पिंक स्मिथसोनाइट। ये क्रिस्टल, इस क्रिस्टल को यूज करके आप लोग अपने चेस्ट और थ्रोट दोनों को अप कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो। ये आपके थाइम्स ग्लैंड के ऊपर भी
बहुत ब्रिलियंटली काम करता है। और सबसे बड़ी बात, एक और चीज हम यहाँ डील करेंगे। मैं बार बार अभी बोल रही थी कि स्ट्रेस के साथ एक और इलनेस भी आती है, व्हाट इज दैट? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी भी बहुत इंक्रीज हो रही है क्योंकि स्ट्रेस है। आप कभी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वो क्या कहेंगे, बहुत सारे हमारे यूथ को वो सजेशन देते हैं, आप अपने कुछ महीनों के लिए जॉब ड्रॉप कर दो, इफ यू वांट टू गेट प्रेगनेंसी तो जॉब को ड्रॉप कर दो। तो इनफर्टिलिटी कहते हैं हम उस चीज को। इनफर्टिलिटी को भी हम इस क्रिस्टल के साथ ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ क्लियर कॉर्ड इज अगेन हमारे क्रिस्टल है, उसका भी मैं क्लियर कॉर्ड भी लिख रही हूँ, कैसे लिखते हैं। क्लियर कॉर्ड्स, अगर आप क्लियर कॉर्ड्स और पिंक स्मिथोसोनाइट को यूज करते हो साथ में, तो आप इनफर्टिलिटी को तो ट्रीट कर ही दोगे, और खाली पिंक स्मिथोसोनाइट को करते हो तो आपका थ्रोट चक्रा और थाइम ग्लैंड बैलेंस होते हैं। और अगर ये दोनों चीज आप बैलेंस करते हो तो आप अपने थायराइड को कर सकते हो कंट्रोल। और कहाँ रखेंगे ये? बेड साइड रखेंगे, अपने बेड के कॉर्नर्स में। यहाँ पे हम एक कॉर्नर में नहीं रखेंगे बेड के, यहाँ पे हम दोनों कॉर्नर्स में रखेंगे बेड के बोथ कॉर्नर्स। इफ यू ट्रीटिंग अ थायराइड तो ये वाला जो हमारा पिंक स्मिथोसोनाइट क्रिस्टल है हम दोनों बेड के साइड्स पे रखेंगे। और क्लियर क्वार्ट्ज अगर आप यूज कर रहे हो तो आप इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर रहे हो। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दो चीजों को इकट्ठा ट्रीट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे आप क्या लेंगे, शेप क्या होनी चाहिए, इसकी रॉक साइज होनी चाहिए। तो रॉक अगर आप रखेंगे तो रॉक वन साइड की रॉक का जो मिनिमम वेट होना चाहिए दैट इज 250 ग्राम। दैट इज 250 ग्राम होना चाहिए वन रॉक, एक साइड 250 ग्राम, दूसरे साइड 250 ग्राम। तो आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हो। और ये क्रिस्टल किस चीज पे काम करेगा? थ्रोट पे काम करेगा। जो बच्चे स्टैमर करते हैं, ब्लू लेज अगेट के साथ पिंक स्मिथसोनाइट को यूज करो, द आप स्टैमरिंग पे काम कर लो, स्टैमरिंग चली जाएगी। बच्चों पे स्टैमरिंग बहुत है हो रही है आज, वो भी व्हाट इज दैट, वो क्या है, वो अगेन स्ट्रेस है जो बच्चों के अंदर आ रहा है, वो स्ट्रेस है। दिमाग कुछ और चल रहा है, जुबान कुछ और चल रही है, कॉम्बिनेशन तालमेल नहीं बैठ पा रहा है दिमाग और जुबान का। तो वो हमारा कहाँ काम करेंगे हम, ब्लू लेज अगेट। मैं ब्लू लेज अगेट भी लिख रही हूँ, एक सेकेंड चैट बॉक्स पे लिख देती हूँ so that it's easy to सबको। ब्लू लेज अगेट एंड सॉरी ब्लू के स्पेलिंग और रह गए, सॉरी बी रह गया। हाँ सबको आ रहा है ये, या सिर्फ कविता जी को जा रहा है? हाँ रुको, तो चेंज करना पड़ेगा फिर आपको। जी, मैंने कर दिया, मैं दोबारा लिख रही हूँ। बिल्कुल आ गया, सबको आ गया। ये जो क्रिस्टल है अगर आप पिंक स्मिथसोनाइट के साथ यूज करते हो देन यू कैन ट्रीट द स्टैमरिंग, बिकॉज अगेन ये हमारे थ्रोट चक्रा के हैं, ये हमारे थ्रोट चक्रा पे काम करते हैं, हम इसको यहाँ कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं अगले क्रिस्टल की, जो एक बहुत ही ब्रिलियंट क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल काम कहाँ करता है? ये क्रिस्टल आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। मैंने एपिलेप्सी की बात की थी, नर्वस सिस्टम के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। नर्वस सिस्टम आपका वो होता है सर, वो एक आती है ना, मुझे इलनेस भूल गई है, जिसमें बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाता है, काम नहीं करता है,
ऑटिज्म, यस ऑटिज्म, ऑटिज्म इज आल्सो कम विद अ नर्वस इश्यूज में आता है. तो ये आजकल बहुत फिर आ रही है, अच्छे से वापस से हमारी लाइफ में ये आ रही है. तो इसको क्या करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे एक क्रिस्टल के साथ, दो क्रिस्टल के साथ, दैट इज एमेथिस्ट एंड सिट्रिन के साथ. एमेथिस्ट एंड सिट्रिन, एमेथिस्ट और सिट्रिन की स्पेलिंग मैं लिख रही हूँ चैट बॉक्स के अंदर. एमेथिस्ट और सिट्रिन जो दोनों ही क्रिस्टल हैं, वो ब्रिलियंटली काम करते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर. अब एमेथिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी, एमेथिस्ट इज ऐसा क्रिस्टल है जो कि आपके कहाँ काम करता है, आपके थर्ड आई अजना चक्र और प्लस क्राउन चक्रा पे काम करता है. इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल क्रिस्टल. एमेथिस्ट आपके थर्ड आई को ओपन करने के साथ साथ आपको एक विजडम देता है चीजों में और स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट देता है. इतना बढ़िया क्रिस्टल है ये. तो अगर आप अपने नर्वस सिस्टम को ट्रीट करना चाहते हो तो हमारा क्रिस्टल है एमेथिस्ट और सिट्रिन. ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, इनहांस करता है. एमेथिस्ट और क्या करता है, एमेथिस्ट जितना भी आपके फटीग है, स्पेशली फटीग को लेके आपके प्रॉब्लम्स है डाइजेशन को लेके, सिट्रिन डाइजेशन पे काम करेगा, एमेथिस्ट अपने फटीग पे काम करेगा और आपके जितने भी फिजिकल मेंटल ब्लॉकेज हैं उसको रिमूव करेगा. बिकॉज ये थर्ड आई के साथ साथ क्राउन चक्रा पे भी काम करता है. अगेन इसको आप कहाँ रखोगे, अपने पिलो में. पिलो में रखो, पिलो में नहीं रख सकते तो आप इसको अपने मैट्रेस के नीचे रख सकते हो. मैट्रेस के नीचे रखो, पिलो के पास रखो, नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो. अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो आप इसके साथ मेडिटेशन पे बैठो. Okay, that's very great. Meditations करके, meditation के लिए rock खरीदिए. Minimum जो rock होनी चाहिए वो 500 grams की होनी चाहिए. Okay. जो भी rock आप use करोगे वो 500 grams की use करोगे. Meditation करो या आप उसको अपने bed side पे रखो. जी जी. Next, अब बात कर लेते हैं सर एक दो जनों से. जी प्लीज, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. तो रेज योर हैंड्स, जो भी बात करना चाहता है रेज योर हैंड्स. आपको होस्ट है, आप ही मैनेज कर सकते हैं. ठीक है ठीक है ठीक है जी. कविता मैम, कविता गुप्ता मैम अनम्यूट कर लीजिए मैम. मैं मुझे ये पूछना था, ये क्रिस्टल्स कितना टाइम लेते हैं जैसे रिजल्ट्स शो करने में और बेनिफिट्स, या हर डिजीज के लिए अलग क्रिस्टल होगा, सबका टाइम भी अलग होगा? मैम देखिए, डिपेंड करता है कि आप, अगर सिंपल एक कंसंट्रेशन की बात मैं करती हूँ तो कंसंट्रेशन को हम 24 से 48 आवर्स में ट्रीट करते हैं. मैम क्या ये क्रिस्टल्स की पोजीशन वास्तु पे भी डिपेंड करती है? जैसे 100% हम बिल्कुल करते हैं क्रिस्टल प्लस वास्तु. तो मैम जैसे आपने एंग्जाइटी के लिए सेलेनाइट बताया था, अगर वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होंगे जो किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं. बिकॉज सेलेनाइट को क्यों मैंने बोला, सेलेनाइट इज द मास्टर हीलर. ओके मैम. वो एक क्लींजर के साथ साथ मास्टर हीलर है. तो सेलेनाइट तो आप साउथ डायरेक्शन में, तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि वो बैड स्पिरिट्स है और बैड एनर्जीज की वजह से. अदरवाइज सेलेनाइट को मैंने कहा विंडो आपकी किसी भी डायरेक्शन में है, दैट इज हार्डली मैटर्स. आप सेलेनाइट को विंडो पे रखिए. मैम कुछ क्रिस्टल ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में नहीं यूज करना होगा, वो आप क्लास में बताओगे? यस, वो क्लास में बात करेंगे. बिल्कुल क्लास में बात करेंगे. और मैम वो आजकल एक, हां बोलो 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 मैम. एक और भी बहुत बड़ी बीमारी कैंसर, जो आपको हर एक घर में छोड़ के देखने को मिलेगा,
स्पेशली मैं थोड़ा जेनाइटल कैंसर के बारे में, प्रोस्टेट, यूट्रस, इनके बारे में पूछना चाहती हूँ, या जनरल कैंसर, सबका तो अलग अलग होगा, ब्लड कैंसर का अलग होगा हर का, तो मैं वो थोड़ा उसके बारे में भी आप बता दे थोड़ा एक बार लाइट डाल। कैंसर, कैंसर के बारे में ना? जी जी, कैंसर के बारे में। कैंसर, कैंसर जो होता है, अगर हम बात करते हैं, देखिए जब भी हम कोई भी चीज को ट्रीट करते हैं तो वी हैव टू गो टू द रूट कॉज। कैंसर इज व्हाट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल, वो सेल ग्रो कर जाता है, सेल मल्टीप्लाई ज्यादा करते हैं, सेल बहुत जल्दी 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 मल्टीप्लाई करते हैं। सो कैंसर को अगर आप ट्रीट करते हैं, जनरल मैं बात कर रही हूँ क्योंकि हर कैंसर अलग तरह का तरीके से होता है, उसको ट्रीट करने का ढंग भी डिफरेंट होता है। या मैं एक अगर जनरल कैंसर पे बात करती हूँ तो जनरल कैंसर को आप एमेथिस्ट प्लस क्लियर क्वार्ट्ज के साथ भी ट्रीट कर सकते हो। ओके मैम, तो इन क्रिस्टल्स को अपने पिलो के नीचे या ऐसे हैंग करना होगा विंडो पे, वो आप बताओगे? हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी रखते हैं, और या हम इसको हमने बेड साइड पे रखते हैं, या हम इसके लिए क्या करते हैं, हम क्रिस्टल ग्रिड बनाते हैं। उस क्रिस्टल ग्रिड में हम डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं उस पर्टिकुलर इंसान की, उसका पिक्चर हम यूज करते हैं, और उसके साथ हम साथ में स्विच वर्ड्स या रेखी सिंबल या जीवू सिंबल या हम अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस भी यूज करते हैं। हाउ टू यूज दैट इन अ क्रिस्टल ग्रिड, वो उस टाइम देखते हैं। ग्रिड मैम, क्रिस्टल तो सीखना जरूर है, ये कब सीखना है पर, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ह्यूमन डॉक्टर की बात करें, ह्यूमन डॉक्टर की बात करो तो अगर आप किसी एक सभी चीज का आपका क्योर ना एलोपैथी, वो एक ही जगह जाएगा। तो हमें भी ये सारी चीजें आनी चाहिए कि कोई परेशान इंसान आ रहा है तो अगर उसका ट्रीटमेंट वास्तु से हो सकता है, नेम न्यूमरोलॉजी से हो सकता है, उसको क्रिस्टल कैसे, एटलीस्ट ये चीजें आनी चाहिए कि उसको पूरी तरह से हम सिक्योर कर सकते। आप क्रिस्टल को वास्तु के साथ कनेक्ट कर सकते हो, आप टैरो के साथ कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी के साथ कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी के साथ कर सकते हो, आप क्रिस्टल को हर पद्धति के साथ, बिकॉज क्रिस्टल इज व्हाट, क्रिस्टल इज अ हीलिंग पार्ट, ये हमारी रेमेडियल पार्ट है, तो रेमेडी तो चाहिए, मेडिसिन तो चाहिए हमें। और आजकल प्रैक्टिस से ही आएगा कौन सी चीजें कितना बेनिफिट कर रही है कौन सी। और अगर हम किसी को जप बोलते हैं तो वो जप आजकल नहीं करने वाले कोई भी, हम खुद ही नहीं करते। आप अगर किसी को जप बोलोगे ना, 7 दिन का हो गया, सर 2 दिन में करा दो ना कम्प्लीट, ये होता है। सही, सबको बिलीव भी नहीं होता है कि बहुत चीजों, सबको अलग अलग चीजों पे बिलीव होता है, वो भी ब्रिलियंटली वर्क करता है मैम, ब्रिलियंटली वर्क करता है। यस मैम, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू कविता मैम, वेलकम, थैंक यू पास्टर, नमस्ते जी। सर, सर अब आप ही चूज करो, बहुत सारे हाथ हो गए हैं। एड्रेस जी, हनुमान जी, जय गुरु जी मैडम, एंड जय गुरु जी संदीप सर, वी नीड योर ब्लेसिंग। जय गुरु जी सर। सर एंड मैडम, मेरा सवाल है कि 3 ऐसी बीमारियां आजकल कि जिनका इलाज बहुत दुर्लभ है, बहुत महंगा है, आम आदमी के बस के बाहर है, और सर बहुत ज्यादा उसका मतलब नाम भी कम लोगों ने सुना है। पहली तो है मैडम पार्किंसनिज्म, जिसमें कपकपाता है, कंपवात कहते हैं। दूसरा अल्जाइमर्स, जिसमें इंसान भूल जाता है कि वो कहाँ था और कहाँ आ गया है, कभी कभी खुद को भी भूल जाता है। और थर्ड इज मैडम जो हमारे अमिताभ बच्चन सर को है, जो कि मेरी मम्मी को भी था नकेली, मायस्थेनिया ग्रेविस, आपने वो भी नाम सुना होगा। तो मैडम ये 3 के बारे में अगर कुछ बता सके आप तो वी वुड बी वेरी थैंकफुल। तो देखिए मैं सारी डिजीज को तो नहीं कवर कर सकती हूँ, बट हाँ एक आध डिजीज को जरूर कवर कर सकती हूँ, जो कि आपका सेकंड वन डिजीज है, दैट इज अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स, अल्जाइमर इज व्हाट, अल्जाइमर इज व्हाट, क्या होता है अल्जाइमर मैडम? अल्जाइमर में ऐसा होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ब्रेन के मैडम, वो सब गड़बड़ा जाते हैं और इंसान भूलने लग जाता है, चीजों को याद नहीं रख पाता है। यस, दिस इज अल्जाइमर। तो अल्जाइमर को आप अगर ट्रीट करना चाहते हो तो आप एमेथिस्ट के साथ ट्रीट ब्रिलियंटली कर सकते हो। ओके ओके, अल्जाइमर पेशेंट के पास अगर वो कहीं है, उसके पॉकेट में भी रखो एमेथिस्ट, उसके पास भी रखो एमेथिस्ट, उसके बेड साइड भी एमेथिस्ट। एमेथिस्ट की दैट टू, फिर रॉक्स जो होनी चाहिए वो केजीज में होनी चाहिए।
ग्राम्स में नहीं काम करेंगे, केजीज में। आपको पता है अभी आपने अमिताभ बच्चन सर की बात करी, चलो अमिताभ बच्चन सर की बात करते हैं, तो अमिताभ बच्चन सर के घर में एमेथिस्ट की रॉक्स हैं सर, बड़ी बड़ी, अ ह्यूमन साइज, सुना है मैडम मैंने, अ ह्यूमन साइज रॉक्स हैं। यस मैडम, सुना है मैंने ये बात, सही है। क्योंकि आप ये जो इलनेस की बात कर रहे हो ये सारी ब्रेन से रिलेटेड है। ओके मैडम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, बिल्कुल दिवाकर सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये दोनों ही नर्वस सिस्टम से रिलेट कर रही हैं। और मैडम जिसमें वो बहुत ज्यादा कपकपी होती है, इंसान बहुत ज्यादा हिलता है, शिवरिंग, वो पार्किंसनिज्म, उसके बारे में कुछ बता सकेंगे मैडम? सर ये जो पार्किंसनिज्म है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, अलग अलग तरह की है, इसकी टाइप्स आती है, सो टाइप देखनी पड़ेगी कौन सी टाइप है पर्टिकुलर पेशेंट को। ओके मैडम, और लास्ट मैडम, लास्ट जो मायस्थेनिया ग्रेविस का मैंने बोला मैडम, जिसमें कि है ना इंसान के सांस लेने की भी मसल्स अचानक इतनी स्टिफ हो जाती है कि सांस भी रुक जाती है, उसके लिए दवाई और ट्रीटमेंट बहुत महंगी है मैडम, बहुत रिस्की है, जो मायस्थेनिया ग्रेविस का बोला मैडम रिलेटेड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज मैंने बात करी थी जिसमें मैंने कोल्ड, कफ, फ्लू, इन्फ्लेमेशन की बात करी थी, इम्यून सिस्टम, यस की थी मैडम, अभी मैंने बात की थी। और ये जो आप डिजीज बता रहे हो ये इन तीनों से कोरिलेट करती है। ओके, इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तो ब्लड स्टोन, ओके ब्लड स्टोन के साथ ट्रीट करेंगे, बट एक खाली ब्लड स्टोन के साथ ट्रीट नहीं होगी, बट एज ए जर्नल अगर आप पहना चाहते हो तो ब्लड स्टोन के साथ पहनाइए। ओके, ब्लड स्टोन के साथ ना मैडम जी, ब्लड स्टोन, ब्लड स्टोन। हाँ, कुछ कुछ बीमारी ऐसी होती है कि मतलब जिसका रूट कॉज आपने कहा अलग होता है, जैसे कभी कभी मानसिक सदमे या धक्के के कारण है ना रूट कॉज वहाँ होता है और फिजिकल उसका ये होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। yes, तभी तो मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बता रही हूँ इसके, क्योंकि जब तक मैं उसके टाइप पे नहीं जाऊंगी तो मैं उसको नहीं बता सकती, बिकॉज ट्रीट करने की बजाय मैं उसे और बीमार नहीं कर सकती। हाँ, तो मैडम मेरा सवाल ऐसा है कि इस ऐसे वक्त में हमें उसके जो रूट कॉज है उसको ट्रीट करना है, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखने है उसको ट्रीट करना है पहले मैडम? आपको दोनों साइमल्टेनियसली ट्रीट करने पड़ेंगे। तो मैडम ये आप रूट कॉज को देखते हुए आप उसका फिजिकल अभी का चीज नहीं भूल सकते हो। यस, अभी की चीज को आप नहीं छोड़ सकते हो, आपको दोनों साइमल्टेनियसली सेटल करनी है। तो मैडम इस पे आप थोड़े से अगर रोशनी डालेंगे अपने कोर्स में आगे जो कोर्स करवा रहे हैं तो अच्छा रहेगा मैडम। सर मैं बहुत सारी चीजों को कवर करूंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि जब हम ट्रीट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज को तो अगर हम उसमें क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं वो कितने परसेंट कौन सा होना चाहिए, डेफिनेटली मैं बात जरूर करूंगी। ओके मैडम, एंड माय लास्ट क्वेश्चन, जो आपने थोड़ी देर पहले बोला बहुत अच्छा बोला मैडम, बढ़िया, कि कैंसर मतलब एबनॉर्मल जो है ग्रोथ होती है अपनी खुद के ही बॉडी के सेल्स की, कि अपने सेल्स को खाने लग जाता है, तो मैडम अगेन इसमें इम्यूनिटी तो कम हो जाती है, तो इसमें हम इम्यून सिस्टम पे काम करेंगे कि जिससे कि वो अरेस्ट हो जाए आगे ना बढ़े, चाहे हम इसमें तीन चीजों पे काम करेंगे, हम इम्यून सिस्टम के साथ साथ हम कैंसर पे काम करेंगे, तीसरी चीज की उसके कौन से पर्टिकुलर एरिया में कैंसर है, कैंसर बहुत सारे प्लेसेस में है, तो वहां से बहुत सारी प्लेसेस पे है। यस, हम उस पर्टिकुलर एरिया को नहीं भूल सकते। ओके मैडम, हम कैंसर तो ट्रीट कर रहे हैं, हम उसकी और भी चीज कर रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर एरिया, वो सारी चीजें इकट्ठी करके कैलकुलेट करके फिर हम ट्रीट करते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं मतलब अलोंग विद मेडिकल ट्रीटमेंट वो अरेस्ट हो, ज्यादा बढ़े ना और स्टेबल रहे पेशेंट, ऐसा कर सकते हैं? 100% अभी मैं बता रही हूँ, हमने कुछ दिन पहले एपिलेप्सी को कंट्रोल किया है और माय वन ऑफ द स्टूडेंट ने किया है, मेरे एक स्टूडेंट ने ही किया है। और अब एपिलेप्सी के कितने आप अगर पता होगा तो एपिलेप्सी इज व्हाट, फिट्स पे फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे फिट्स आते रहते हैं, एपिलेप्सी की कोई मेडिसिन नहीं आज तक। यस बराबर है, बट उसको फिट्स आने बंद हो गए हैं, पिछले एक से डेढ़ महीने में कोई फिट नहीं आया, बिलीव। ओके मैडम, तो इंसान को रोज फिट आने, आइए हनुमान जी क्लास में आइए, आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग होने वाली है, क्योंकि क्या ना वेबिनार के अंदर सब लोगों को होता है कि हमारे क्वेश्चंस भी लिए जाएं, ज्यादातर हम एक क्वेश्चन ही लेते हैं ताकि सब लोगों को आशीर्वाद मिल सके। नो प्रॉब्लम सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम वेलकम जी सर। धारा मैम, जय गुरु जी। जी मैम, जय गुरु जी।
मेरा मैडम क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने ये बोला स्टीमर की जो बच्चा बोला था या हाँ या तो फिर जो बच्चे जो कुछ बोल ही नहीं पाते, जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है 2-3 इयर्स का हो गया है बट वो अभी तक कोई बात ही नहीं करता, कुछ भी वन वर्ड भी नहीं, कुछ बच्चे बोलते हैं ना 1 ईयर में, तो क्या इतने छोटे बच्चों को भी हम क्रिस्टल वगैरह दे सकते हैं क्या? 100% क्रिस्टल तो आप बिल्कुल किसी भी उम्र को दे सकते हो, बिकॉज क्रिस्टल बैक फायरिंग नहीं करते, क्रिस्टल का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता, क्रिस्टल आप किसी भी उम्र के बच्चे को दे सकते हो। तो मैम जो बच्चे बोलते ही नहीं है उसको हम कौन सा क्रिस्टल पहनाएंगे? ब्लू अगेंस्ट ब्लू लेस अगेट पहनाओ ना, ब्लू के साथ कौन सा? ब्लू लेस अगेट मैंने चैट पे लिखा हुआ मैम, देखिए नो नो ओनली वन ब्रेसलेट से ही काम हो जाएगा मैम, एक ही क्रिस्टल का नाम है ब्लू लेस अगेट। अच्छा अच्छा ओके ओके, एक ही क्रिस्टल है वो, जी जी पहनाइए। थैंक यू सो मच। और जो हम लोग और एक क्वेश्चन था मेरा कि जो एक टाइम पे एक क्वेश्चन अभी सर ने बोला एक टाइम पे एक क्वेश्चन प्लीज। ठीक है चलो मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। कैफ भाई जय गुरु जी। जय जय नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। जय गुरु जी। मैडम जो मैं जैसे मेरे मदर को ओवेरियन कैंसर है मैम, तो अभी उनका ट्रीटमेंट तो खत्म हो चुका है बट उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? ओवेरियन कैंसर है खत्म, ट्रीट हो गया है कंप्लीटली? जी जी। और उसके बाद उसके जो आउटकम्स है मतलब जो बैड इफेक्ट्स है वो भी आए होंगे उनके ऊपर? जी जी। क्या वो मेंटली स्टेबल है? इशू हाँ, तो नहीं है? नहीं, थोड़ा सा मतलब होता है, थोड़ा सा डिप्रेशन भी रहते हैं। आता है सर, तभी मैंने आपको पूछा। क्लियर कॉर्ड्स, उनको क्लियर कॉर्ड का क्लस्टर, क्लियर कॉर्ड्स का एक फॉर्म होता है दैट इज क्लस्टर, CULSTER क्लस्टर, उसको उनके बेड साइड पे रख दीजिए। ओके। और मैम अभी उनको जी अभी उनको हम कल ही हॉस्पिटल से होकर आए हैं तो उनको थोड़ा सा पेट में दोबारा पानी भरना चालू हुआ था, लीवर का डॉक्टर ने थोड़ा सा सूजन के बारे में कहा, मतलब शायद लीवर पे भी इफेक्ट हो सकता है उनका। तो अगर लीवर पे ऊपर इफेक्ट है तो लीवर का इफेक्ट आप सर येलो सेलर साइट से, जो मैंने अभी पहले पीछे भी बताया, येलो सेलर साइट को यूज कीजिए, येलो सेलर साइट आप, तो मैं दोबारा से उसकी स्पेलिंग डाल देती हूँ, नहीं तो वैसे चैट बॉक्स में है आप उसमें से ले सकते हैं, दोबारा डाल दो चैट बॉक्स। इसको आप उनको कोई जाएगा येलो सैलासाइट, ये क्रिस्टल का नाम है, इसको यूज कीजिए। जी मैम, वो हमने जब डॉक्टर से बात किए थे तो उन्होंने कहा था कि आपको मतलब आपके फैमिली में किसी को होगा ना तो उस हिसाब से मतलब किसी को ब्रेस्ट का कैंसर होगा आपके फैमिली में, तो उससे आपको ये आगे आपके जो हेरिडिटी जो होता है ना मतलब आपके अगले पीढ़ी में भी वो ट्रांसफर हो जाता है तो उसके द्वारा मतलब होने के चांसेस है, तो उन्होंने ऐसा कहा था। तो जो मेरी माताजी है, मम्मी है, उनके दादी जो उनके ग्रैंड मदर थी ना उनको ब्रेस्ट का था, ब्रेस्ट कैंसर था मैम। जी तो मैम ब्रेस्ट कैंसर के लिए कुछ है क्या? सर एक टाइम पे एक ही चीज, अगर आप सिंपल आपके तीन क्वेश्चन ऑलरेडी ले चुकी हूँ बट अगर आप सिंपल कैंसर की बात कर रहे हो तो अभी मैंने हनुमान सर को, हनुमत सर है मैंने बताया है। एक पूछना था कि हम असली मतलब क्रिस्टल में कैसे फर्क करें, असली और नकली क्रिस्टल में कैसे फर्क करें, क्लास में आइए बात करते हैं। ओके मैम धन्यवाद। थैंक यू कैफ भाई। थैंक यू राजकुमारी मैम। जय गुरु जी। जी मैम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हम बोल रहे थे कि मेरे बेटे को ना थोड़ा डिप्रेशन है तो उसके लिए उसको कौन सा पहनाए? मैम डिप्रेशन के लिए तो मैंने सबसे पहले बताया, डिप्रेशन के लिए तो मैंने सबसे पहले बात की, आप थे क्लास में? नहीं देरी से जाएं।
कोई नहीं मैम, रिकॉर्डिंग अभी डल जाएगी रात को 12:30 बजे। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग देखिए और उसमें आप कीजिए, वैसे लेपोडोलाइट करके एक क्रिस्टल है उसको यूज कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। जगजीत जी जय गुरु जी। जी सर जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ इसमें वास्तु का भी सिखाएंगे इसके इस कोर्स में? जी वास्तु को हम टच जरूर करेंगे, बट सर वास्तु का पूरा कोर्स नहीं होगा, बट हाँ ये जरूर मैं बताऊंगी कौन कौन से डायरेक्शन में कौन कौन से क्रिस्टल रखने पे आपको बेनिफिट मिलेगा। हम टच करेंगे वास्तु को जरूर, और यहाँ पे हम बात ये भी करेंगे कि कौन से डायरेक्शन में क्या क्या होता है वास्तु के। चैप्टर नहीं, उसको रखने से एनर्जी वो मतलब उस वो प्लेस एनर्जाइज हो जाएगा ना? यस एनर्जाइज नहीं सर, वो आपको रिजल्ट देगा। 16 दिशाओं का दिखाएं बताएंगे मैडम? हां जी 16 का बताएंगे, 16 दिशाओं को बताएंगे, 16 जितनी 16 दिशाएं है ना? नहीं सर इतना नहीं हम करेंगे, एक चैप्टर होगा, एक चैप्टर होगा, आप तो पूरा वास्तु सीखने। जगजीत जी मैडम जो है वो क्रिस्टल एक्सपर्ट है, वो वहां पे आपको सपोर्ट लेना सिखाएगी, वो वास्तु एक्सपर्ट नहीं है। वो मैं समझ गया, मतलब उस डायरेक्शन को हमने एनर्जाइज करना है तो उसका क्रिस्टल बताएंगे ना, वही तो पूछ रहा हूं। हां ये मैं बताऊंगी, बट अगर आप सोचो कि मैं पूरा वास्तु पढ़ाऊंगी तो नहीं है। नहीं नहीं वास्तु के साथ हम कैसे क्रिस्टल्स कौन कौन से क्रिस्टल कैसे कैसे प्लेस करेंगे और उनके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं वास्तु में, ये हम काम जरूर करेंगे। हां यही पूछ रहा था, ये काम हमें तो एनर्जाइज करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू जी। अनूप जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैडम हमें एक पूछना था, जैसे माइग्रेन या ग्लूकोमा के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज करना चाहिए? माइग्रेन के लिए एमेथिस्ट। माइग्रेन का अगर प्रॉब्लम है एमेथिस्ट के साथ रेड जेस्पर। माइग्रेन का जी मैडम। हाँ जी स्पेलिंग एमेथिस्ट AME जो ग्लूकोमा होता है मैडम इसके लिए? सर ग्लूकोमा क्या होता है, डायबिटिक होती है? नहीं नहीं ग्लूकोमा ये होता है कि जो हमारी आँख है, ये जो ऑप्टिक नर्व होती है तो वो क्या है थोड़ी सूखने लगती है, उसमें जो उसमें पानी निकलता है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो टेंशन बढ़ जाता है आँख का। तो सर उसके लिए आप यूज कीजिए काला मोतिया बोलते हैं इसे। हाँ उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ब्लू लेसर गेट बहुत अच्छा काम करती है आईज के ऊपर। अच्छा। आईज के ऊपर ब्लू लेसर गेट बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा स्पेलिंग मैडम जरा कर दीजिए। ब्लू लेस अगेन मैंने लिखा है सर चैट में, आप देखिए मैं दो बार लिख चुकी हूँ। अच्छा अच्छा ठीक, तो ये कैसे ये रखना होगा या पहनना होगा कैसे? सर अगर आप ये ब्लू लेस अगेन को तो आप पहनिए एज अ पेंडेंट। जी ब्लू लेस गेट को आप एज अ पेंडेंट पहनिए। जी थैंक यू अनूप जी। जी धन्यवाद। जी सर। सविता मैम जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम। मैम हैलोसेशन के लिए क्या होता है? हैलोसेशन मैम हैलोसेशन क्या होता है? जैसे दिखना कि रात रात को उठे डाउट होता है कि कोई बाहर है कोई जा रहा है, ऐसा है नहीं है बट हैलोसेशन होता है। हैलोसेशन होता क्या है मैंने ये पूछा, हैलोसेशन तो मुझे पता था होता क्या है, हैलोसेशन का कोर रीजन क्या है? कोर रीजन जब भी आप किसी को ट्रीट करते हैं ना मैम तो यू शुड गो इनटू द कोर रीजन है क्या। अब जैसे मैंने कैंसर की बात करी, दैट इज व्हाट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। हैलोसेशन क्या है? कहीं ना कहीं आपको इंसोमिया का इशू या कहीं ना कहीं सेम वो इंसोमिया है। उसको ट्रीट करने के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप क्लस्टर यूज कीजिए क्लियर क्वार्ट्ज का या फिर आप एमेथिस्ट यूज कीजिए। ओके आप डीप स्लीप में नहीं जा पा रहे हो, जैसे ही डीप स्लीप में जाते हो कहीं ना कहीं आप उस चीजों को क्रिएट करने लग जाते हो।
लाइट चली गई है शर मैम, सरिता मैम। जी जी उनकी शायद लाइट चली गई है। जी जी दिवाकर जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर जी, जय गुरु जी मैडम। जय गुरु जी, जय गुरु जी दिवाकर जी। मैडम ये स्किन डिजीज जैसे एक्जिमा अगर होता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल जो एक्जिमा जो होता है उसके लिए आप ग्रीन कलर का अगेट, ये मैं जनरल बता रही हूँ। स्किन कलर में फिर बहुत सारी टाइप्स होती है, स्किन डिजीजेस बहुत तरह से होती है। जनरल स्किन डिजीज के लिए मैं बात कर रही हूँ तो ग्रीन अगेट आप यूज कर सकते हैं। बच्चों को पहना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बच्चों को पेंडेंट पहनाइए, बच्चों को बैंड पहनाइए, बच्चा छोटा है तो आप उसको पेंडेंट पहनाइए। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू दिवाकर जी, थैंक यू जी। तत्सत सर कैसे हैं आप? हाँ जय गुरु जी, राधे राधे सर। जय गुरु जी, बहुत अच्छे जी। सर आप कैसे हैं? ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी जी जी। मैम मैं ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर में निकल जाएगा, नहीं तो कोर्स वास्तव में आपका बहुत अच्छा कोर्स है, बैलेंसिंग कोर्स है और सारी चीजों कवर कर रहा है। बस एक थोड़ा सा ये है कि जैसे कैंसर जो होता है मैम, जैसे किसी की पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट में आता है हेरिडिटिकल, तो आगे उस फैमिली मेंबर्स में ना हो तो उनके लिए प्रिकॉशनरी क्या चीज यूज कर सकते हैं सर? उसके लिए प्रिकॉशनरी आपको मल्टीपली एक क्रिस्टल हम कॉम्बिनेशन में डालते हैं और फिर वो हम उनके डायरेक्शंस में रखते हैं। अच्छा, मतलब वास्तु के हिसाब से जो डायरेक्शंस हैं उन तरह? यस यस, उस डायरेक्शंस में रखेंगे, देन द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड टू द इनहेरिटेड। अच्छा मैम, तो जैसे इस कोर्स में जो है तो जैसे क्या क्या चीज आप जैसे उसका पूरा डिटेल बताएंगे और क्रिस्टल्स भी हमको देखने को मिलेंगे और मिल भी जाएंगे? बिल्कुल मिल भी जाएंगे क्रिस्टल, बहुत सारे क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे देखने। यस, जितने क्रिस्टल्स मेरे पास होंगे डेफिनेटली आई विल शो यू पीपल। और अगर मैं ये कोई फॉल्स आपके साथ कमिटमेंट नहीं करूंगी मैं सारे क्रिस्टल, क्योंकि 5000 से ऊपर क्रिस्टल्स हैं सारे कोर्सेज आ रहे हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे टाइम क्लब इनका ना हो आपस में, वो सर आप देखें। राहुल भाई से बात करेंगे, राहुल भाई से मैनेज करेंगे सर। जी सर जरूर सर, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। छोटा सा क्वेश्चन एक ये है मैम जी, जी। तुम्हारे पड़ोस में एक उनको लंग्स में फेफड़े में प्रॉब्लम आई, तो उनके फेफड़े में पानी आ गया है और वो पानी निकाला भी है जी। तो शायद टीबी डिटेक्ट हो रही है, तो क्या कोई ऐसी चीज है कि उनको हेल्प मिल जाए? जो लंग्स है, जो लंग्स है दैट कम अंडर हमारे आता है हमारे थर्ड चक्र के अंदर, हमारे थर्ड चक्र के अंदर आता है हमारा लंग्स का एरिया। तो उसके लिए हम सिट्रिन को बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, सिट्रिन के प्लस साथ एमेथिस्ट, एमेथिस्ट एंड सिट्रिन दोनों, सिट्रिन और एमेथिस्ट बहुत ब्रिलियंटली काम करते हैं लंग्स के ऊपर। जी जी, तो वो लंग्स को सपोर्ट करेंगे, लंग्स उनके श्रिंक हो रहे हैं एक तरह से। हाँ सर देखो, सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली, और उनको उसके साथ जब आप ट्रीट करने लगोगे आप एमेथिस्ट का एनर्जाइज वाटर भी बना के दे सकते हो उनको। जी जी, उसके लिए मैं आपसे अलग से बात करके हम इसके लिए आप कंसल्टेशन भी ले सकते हो। आप राहुल भाई को फोन कीजिए, नो इशू, वैसे भी जी 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 ही विल गाइड। ठीक मैम, बिल्कुल, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और लोग भी बहुत क्यू में हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सुमित सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। अरिजीत मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी मीनाक्षी जी। जी मैम, हमारे ना कभी हमको इन्फेक्शन जो हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, और कभी कभी हम जब लेते हैं एंटीबायोटिक तो वो क्लियर नहीं होती, तो बाद में पता चलता है कि हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं, और कितने कितने कई कोई लोगों को तो कितने कितने साल लग जाते हैं डिस्कवर करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक राइट वन है। Yes. तो इन टर्म बेसिस पे कोई हम रेमेडी कर सकते हैं?
ब्लड स्टोन ठीक ब्लड इन्फेक्शन इन्फ्यूज जो भी है आपके ब्लड स्टोन के अंदर ब्लड स्टोन ठीक है थैंक यू सर थैंक यू अर्जित मैम अखिल जी जय गुरु जी जय गुरु जी सर वो मेरे को ना उसके बारे में पूछना है सिस्टर का लड़का है वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता तो मैडम कंसंट्रेशन नहीं आती है वो पढ़ाई में मैडम उसका मन ही नहीं लगता है हाँ जी सर पढ़ाई में मन नहीं लगता डांटो ना तो बैठ जाता है पढ़ने नहीं तो पढ़ता ही नहीं है पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है सर उसके स्टडी टेबल पे क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल रख दो क्लस्टर बड़ा सा क्लस्टर लेना छोटा सा नहीं लेना बड़ा लेना और एक कांच का या सेलेनाइट प्लेट खरीदो उसके सामने रख दो जहाँ स्टडी करता है उसके स्टडी टेबल पर सेंटर ऑफ द स्टडी टेबल जी हाँ जी मैडम वो क्या 1 किलो के आसपास लेना पड़ेगा सर कम से कम इतना बड़ा क्लस्टर होना चाहिए वो 1 किलो से भी ज्यादा हो 2-2.5 किलो का होगा आराम से होगा सर क्योंकि हैवी होते हैं क्रिस्टल क्लस्टर लीजिएगा समझ गया मैडम व्हाइट वाले होते हैं से पहले दिखा देना एक बारी मैडम को एक बार दिखा देना जी सर वो इतना बड़ा सा होता व्हाइट से ऐसे निकले होते इंग्लिश पिक्चरों में दिखाते हैं थोड़ा बहुत यस बिल्कुल काफी ठीक पकड़ रहे हैं सर बट एक बार देख लीजिएगा जरूर जरूर मैडम थैंक यू जी थैंक यू जय गुरु जी सर सो दोस्तों आने वाली है मीनाक्षी मैडम की क्लास 21 अगस्त से फिलहाल अभी टाइमिंग जो है दैट इज 9:30 PM और कहीं ना कहीं पे आपके लिए एक और आशीर्वाद आ गया है पहले इस क्लास का रेट था 7080 और कहीं ना कहीं पे हमने देखा कि देने का हमारा रहता ही है कि हम सपोर्ट करें तो फिलहाल इसके लिए आपका स्पेशल रेट है 5559 आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 20th तक आप पेमेंट कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 5559 आपके लिए स्पेशल रेट रहने वाला है दो बैच की बात अगर करनी है तो जरूर करेंगे ताकि क्लैरिटी आ जाए सुब्रतो जी जय गुरु जी सर नमस्ते सर सर मीनाक्षी मैडम को एक ही क्वेश्चन करना है मेरे को जी जी करे एक ही है कि येलो पुखराज एंड येलो सिट्रिन इज इक्विवेलेंट और नॉट एग्जैक्टली इक्विवेलेंट सिंपल सिर्फ फर्क है उसे हम जेमस्टोन के नाम से जानते हैं पुखराज को और इसको हम क्रिस्टल के नाम से जानते हैं इफेक्ट आपको उतने ही ब्रिलियंट मिलेंगे ज्यादा अच्छे मिलेंगे अच्छा वो जेमस्टोन है जो पुखराज है वो जेमस्टोन है दैट इज कॉस्टली और उसको हम एज पर रति पहनते हैं जितना आपका वेट होता है उसके 10% उसके रति पहनते हैं अगर सपोज 70 kg किसी का वेट है तो 7 रति मिनिमम उस इंसान को पहनना पड़ेगा जो की है और अगर आप सिट्रिन आप रॉक से भी इस्तेमाल कर सकते हो पेंडेंट भी पहन सकते हो और कंपेयर टू चीप है और रिजल्ट मार्वेलस देता है किसमें बेटर रिजल्ट या स्टोन जेमस्टोन में या सिट्रिन में सर सिट्रिन में क्रिस्टल में अच्छा, जेमस्टोन को आप क्लीन चार्ज प्रोग्राम नहीं कर सकते क्रिस्टल को कर सकते अच्छा अच्छा तो ये ब्रेसलेट भी आता है क्या सिट्रिन का ब्रेसलेट भी आता है सर इसका तो मैडम कहां से आपसे मिलेगा मिल जाएगा सर जी हाँ आप कविता जी को कल कॉल बैक कर लीजिएगा दिलवा देंगे 77 अच्छा, ये एनर्जाइज करके आप देते हैं क्या एनर्जाइज करके आएगा आपको एनर्जाइज करके ओके मैडम थैंक यू इतना ही हमारा क्वेश्चन था थैंक यू हैव ए नाइस डे जी सविता मैम जय गुरु जी सर वो बीच में ही हो गया था जी तो उसके लिए मैं बात कर रही थी एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज का क्लस्टर भी रखिए ये दोनों चीजों पे काम कीजिए ये म्यूट हो गया मैम आप अनम्यूट करें हेलो स्टेशन के लिए बता रहे हैं ना एमेथिस्ट और क्लियर क्वार्ट्ज ओके थैंक यू मैम वेलकम जी दोस्तों मैम जय गुरु जी जय गुरु जी सर जी मैम जी नमस्ते
जी नमस्कार, जय गुरु जी। मैं ये बोलना चाहती थी येलो कैल्साइट ये बेहतर है किसी बच्चे के कमरे में डालने के लिए पढ़ाई के लिए। येलो कैल्साइट कंसंट्रेशन में अगर आप यूज कर रहे हो वो देखो वो क्या करता है, वो आपको फिजिकल एनर्जी और एनर्जीज को जल तो करा देगा और डेफिनेटली ऑरा को क्लीन भी कर देगा, पर वो इफेक्ट नहीं दे पाएगा कंसंट्रेशन का जो आपको क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट दे पाएंगे। लेकिन अब हम डाल सकते हैं ना मेज पर? डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो ये क्या करता है, कंसंट्रेशन को एनहेंस कराता है? ये सबसे पहले जो येलो सैलासाइट है ये सबसे पहले आपका क्या करता है, आपको आपके जो फिजिकल और जो आपकी एनर्जीज की स्ट्रेंथ है उनको वाइब्रेट करके उनको कलेक्ट करता है और आपके एनर्जीज को पावरफुली क्लीन करता है। और साथ ही साथ जितने भी जहाँ पे आप रखोगे, जैसे आप अपने बच्चे के उसमें रख देते हो तो वहां पे पॉजिटिव एनर्जीज का ऑरा क्रिएट करेगा और उसके साथ साथ उसका मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज कर देगा। जब उसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो उसका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जी मैम, और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है मैम, ये जो पाइराइट है ना गोल्डन कला का, ये अच्छा है? हाउ टू यूज इट फॉर मनी एंड फॉर गुड लक? पाइराइट बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। पाइराइट को हम एज अ प्रोटेक्टिव स्टोन भी यूज करते हैं, पाइराइट हम बहुत सारी डिजीजेस के लिए भी यूज करते हैं। मैम ये तो वही एक ही आप सुना कि पाइराइट इज वेरी गुड फॉर द मनी एंड अबंडेंस, देन वी विल स्टार्ट यूजिंग दैट, बट वी आर नॉट अंडरगोइंग दैट थिंग्स दैट कि मेटा फिजिकल उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है, वो हमने कुछ देखा ही नहीं। उसके साथ इसके साथ हम कॉम्बिनेशन में इतने चीजों को लाके और इतना अपने साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं पाइराइट के साथ कि आपको मार्वेलस रिजल्ट्स। मैम ये कपा वाला जो कपा है वो क्या गुड लक देता है अगर हम पर्स में रखते हैं बतुआ में? मैम कौन से वाला कपा? मैम देखो आप या तो मुझे दिखाओ कौन से वाला आप यूज कर रहे हो या मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी। यूज टू ब्रास बोलते हैं इसको, जो हमारे पूर्वज यूज करती थी लोग। कॉपर? कॉपर आप क्यों यूज कर रहे हो मैम? वो तो दैट इज मेटल हायर फॉर द क्रिस्टल ओनली। ये मैंने खरीदी थी शॉप में तो मैंने देखी कि इट डू अट्रैक्ट अबंडेंस अगर पर्स में रखते हैं इसको। मैम देखिए यहाँ पे हम ये बात कर ही नहीं रहे हैं कि कॉपर को हम अबंडेंस के लिए रख रहे हैं, नहीं क्रिस्टल्स की बात कीजिए, मैं क्रिस्टल्स का आंसर दे सकता हूँ। ओके, मैंने सोची कि इस लाइक स्टोन आल्सो लाइक नो क्रिस्टल, हम सिंपल क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, हम क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, कॉपर मेटल की बात नहीं कर रहे हैं। ओके मैम, लाइक एडवेंचरिन ये भी लक अट्रैक्ट करता है ना? एडवेंचरिन इज द ग्रीन, एडवेंचरिन इज अ क्रिस्टल जो कि आपके ऑल ओवर चक्रा पे काम करता है जी। और ग्रीन एवेंचुरिन से ज्यादा बढ़िया क्रिस्टल्स हैं हमारे पास, दैट इज ग्रीन अगेट, पैलासाइट, देयर इज लॉट्स ऑफ क्रिस्टल्स जो बहुत और भी ब्रिलियंटली काम करते हैं। लेकिन ये ग्रीन एवेंचुरिन नहीं, अबंडेंस भी अट्रैक्ट करता है ना? अबंडेंस 100% करता है। अबंडेंस की मैम देखो अबंडेंस कैसे आएगा, अपने आप चल के नहीं आएगा जी। अबंडेंस के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को सेटल करना है, अपनी एनर्जीज को सेटल करना है, उसके बाद आप काम करोगे उसके ऊपर तभी आपके पास मनी और अबंडेंस आएगा। जी मैम, तो उसके ऊपर वो खाली हमें अबंडेंस में काम करना है लेकिन हम अपने पे दूसरे चीजों पे काम ही नहीं कर रहे तो कैसे होगा? मैं आपको डायरेक्ट एंटीबायोटिक पे डाल रही हूँ, आपका थ्रॉट इन्फेक्शन है लेकिन एंटीबायोटिक पे डाल रही हूँ लेकिन उसके साथ आपको और कुछ भी नहीं दे रही, आप ये कर रहे हो। So, please don't do this. अगर आपने कहीं से देख के या सुन के आप चीजों को यूज कर रहे हो, this is my humble request to all of you, don't do this. Don't, please. अपने साथ ये मत कीजिए। आप जैसे अभी आप कॉपर की बात कर रहे हो, कॉपर में बहुत सारी शेप्स आती है मैम। कॉपर आपने रखा, क्यों रखा, आपको सूट कर भी रहा है नहीं कर रहा, एज पर योर चार्ट, एज पर योर थिंग्स, इज दिस योर मेटल, is this metal, is your yoga or not, it's all the things we have to see. So don't do with your neem hakim khatrai jaan. Okay, please, it's my humble request to all of you. Thank you Josta ma'am, thank you.
तो मीनाक्षी जी आपका कोर्स आ रहा है 21 तारीख से, कुछ और आप बच्चों को आशीर्वाद देना चाहेंगी चलने से पहले? सर जाते जाते मैं एक क्रिस्टल जो कि हमारे बहुत काम आता है, जो कि हमारे काम आता है हमारे घर में, और ये हमारे थर्ड आई चक्रा पे बहुत ब्रिलियंटली काम करता है। थर्ड आई चक्रा क्या होता है, थर्ड आई चक्रा कहाँ काम करता है? थर्ड आई चक्रा हमारे काम करता है हमारे मेंटल पीस को, हमें कामनेस देने में, हमें डिटॉक्सिफिकेशन देने में। दैट इज फ्लोराइड, मैं इसको लिख रही हूँ। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट आज के लिए हम इसको लास्ट बात करेंगे, नेक्स्ट उसमें हम और भी बात करेंगे। 20 तारीख को भी आपका वेबिनार है ना मीनाक्षी मैम? जी जी, 20 तारीख को हमारा वेबिनार है। 20 तारीख को हम एसेंशियल ऑयल के साथ क्रिस्टल्स को लेके आएंगे। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। एसेंशियल ऑयल के साथ हम क्रिस्टल्स को लेके आएंगे, कैसे काम करते हैं हम एसेंशियल ऑयल के साथ, और वो भी हम सब देखेंगे। फिलहाल ये जो फ्लोराइड है, इस फ्लोराइड को आप फ्लोराइड टावर में यूज कीजिए। ये आपके इम्यून सिस्टम के साथ साथ आपके कोर चक्रा लाइक थर्ड आई और थ्रोट चक्रा पे ब्रिलियंटली काम करता है, कामनेस देता है और इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करता है। और सबसे बड़ी बात ये एक ये काम करता है कि जो भी आपके फिजिकल पेन्स है, बॉडी में पेन है, आर्म में पेन है, फुट में पेन है, जितने भी फिजिकल पेन्स है उसको खत्म करता है। दैट इज फ्लोराइड। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी मैम। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फिर दोबारा 20 तारीख को ज्वाइन करें ताकि आपको इससे और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप इसको प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो मीनाक्षी मैडम का कोर्स आ रहा है 21 से, रात को 9:30 का बैच है, बट हम देखेंगे कि हम एक बैच उसमें और लेके आ सके तो जरूर मैनेज करने वाले हैं। मीनाक्षी मैडम से और राहुल भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर इसके बारे में थोड़ा बहुत वर्किंग करें। जी 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 सर जी, डेफिनेटली। तो आज के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। जन्माष्टमी की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, आपकी लाइफ में कृष्ण भगवान ढेरों आशीर्वाद लेके आए, मैं इसके लिए यही कामना करता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी टू ऑल, जय गुरु जी। आप ही क्लोज करोगे मीनाक्षी जी? जी 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 सर, मैं करूँगा।